हेलो एवरीबॉडी, आई एम द पिका फ्रॉम लर्नो हब एक ऐसा फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म जहां पर आप पढ़ सकते हैं फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स बायोलॉजी, एब्सोल्युटली फॉर फ्री ओनली एट लर्नो हब डॉट कॉम तो बच्चों आज हम शुरू करने वाले हैं ईयर 2019 का सेट टू तो इस सेट में हम इस सेट में जितने भी क्वेश्चन आए थे उनको डिस्कस करेंगे सिर्फ उन क्वेश्चन को नहीं डिस्कस करेंगे जो या तो रिपीटेड क्वेश्चन हैं या फिर 2023 सीबीएसई बोर्ड एग्जाम्स में नहीं आने वाले हैं तो चलिए शुरू करते हैं अपने क्वेश्चन के साथ सो द क्वेश्चन नंबर वन फ्राम सेट टू सो द क्वेश्चन इज गिव वन रीजन टू जस्टिफाई स्टैचुचरी बैन ऑन एम्सेंटिस तो एमिनियोसेंटिस एक ऐसी टेक्निक है जिससे एमिनिओटिक फ्लूड एक प्रेगनेंट वुमेन का एमिनिटिक फ्लूड कलेक्ट करके हम उससे क्रोमोजोमल एबनॉर्मेलिटीज़ की स्टडी कर सकते हैं फीटस की और साथ ही साथ इन्हीं क्रोमोजोमल स्टडी से हम एक चाइल्ड के सेक्स का पता लगा सकते हैं कि जो फीटस है वो मेल है या फीमेल है ठीक है तो इसके ऊपर बैन का क्या रीज़न है वैसे तो ये बहुत ही हेल्पफुल है क्यों क्योंकि ये क्रोमोसोमल स्टडीज में हमारी हेल्प कर रहा है अगर कोई भी क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटीज हमें देखने को मिल रही हैं तो हम टाइम रहते ही कोई एक्शन ले सकते हैं राइट सो so, लेकिन एबन्यू का यूज करके एक तो सेक्स आइडेंटिफाई करना शुरू कर दिया लोगों ने फिटस का कि क्या सेक्स है और उससे सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये हुई कि उससे जो फीमेल फीटिसाइड है वो बढ़ गया सो दे यू मिस यूज फॉर आइडेंटिफाई द सेक्स ऑफ द फीटस एंड फीमेल फीटिसाइड इंक्रीज ठीक है तो इससे क्या हुआ इससे मेल और फीमेल की जो रेशो है जो बैलेंस है एक हमारे इंडिया में वो भी सारा इम्बैलेंस हो गया

जेनेटिक uh, डिसऑर्डर है उसे हम बोलते हैं क्लैन फिल्टर सिंड्रोम राइट देन डिलीशन ऑफ वन एक्स क्रोमोजोम इन फीमेल तो मतलब कि जहाँ पर फोर्टी सिक्स क्रोमोजोम होने चाहिए जिसमें कि एक जो पेयर है वो सेक्स क्रोमोजोम का पेयर होता है वहीं पर फोर्टी फोर प्लस एक एक्स ही क्रोमोजोम आता है और एक एक्स क्रोमोजोम होता है एब्सेंट तो इस कंडीशन को हम बोलते हैं टर्नर्ज सिंड्रोम राइट right? इसी में चॉइस पे क्वेश्चन आया था स्टेट व्हाट डज एन्यी लीड्स टू तो एन्यपेल से क्या होता है तो होता क्या है कि देर इज फेलियर इन द सेग्रीगेशन ऑफ क्रोमोजोम्स ड्यूरिंग सेल डिविजन अब सेल डिविजन के टाइम पे जब क्रोमेटेड्स का सेग्रीगेशन फेल हो जाता है जिसकी वजह से There, uh, which results in gain or loss of the chromosomes. So this this situation leads to aneuploidy. सो इट लीड्स टू जेनेटिक डिसऑर्डर्स लाइक डाउन सिंड्रोम एंड टर्नर सिंड्रोम तो यही लॉस या फिर गेन ऑफ एन एक्स्ट्रा क्रोमोजोम तो इन्हीं से जो टर्नर सिंड्रोम और डाउन सिंड्रोम जैसी जेनेटिक कंडीशंस हैं वो अराइज होती हैं क्वेश्चन नंबर थ्री सो क्वेश्चन नंबर थ्री सेज दैट मेंशन वन एग्जाम्पल ईच फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स एग्जिबिटिंग डाइवर्जेंट एवोल्यूशन तो डाइवर्जेंट एवोल्यूशन क्या होता है कि एक हमारे पास एक कॉमन एंसेस्टर है अब इस कॉमन एंसेस्टर से हमारे पास मतलब ये जो सारे ऑर्गेनिजम्स रहेंगे ना इनकी सेम कॉमन एंसेस्टर्स हैं ठीक है अब यहीं से एज पर द नीड्स एज पर द न्यू एनवायरमेंटल कंडीशंस जो ऑर्गेनिज़म्स हैं वो कुछ अलग अलग ट्रेड्स जो हैं वो अपनाना शुरू कर देते हैं मतलब कुछ अलग ट्रेड्स डेवलप करना शुरू कर देते हैं लेकिन क्योंकि ये एक इनका जो एंसेस्टर है वो सेम रहा है तो बेसिकली दे आर डाइवर्जिंग फ्रॉम अ कॉमन एंसेस्टर दे आर डाइवर्जिंग दे आर कैरेक्टर्स फ्रॉम अ कॉमन एंसेस्टर तो इसे बोला जाता है डाइवर्जेंट एवोल्यूशन तो इसमें एनिमल और प्लांट का एग्जाम्पल पूछा है तो एनिमल्स में आते हैं जैसे फोर लिम्स ऑफ मैन चीता वेल एंड बैड तो हम सबके फोरलिम्स एक जैसे ही थे लेकिन अब एज पर द नीड्स एज पर द इन्वायरमेंटल कंडीशंस हमें अपने कैरेक्टर्स को अपने फीचर्स को चेंज करना पड़ा सेकेंड इन केस ऑफ प्लाट्स ऑथ दोगेनविला थॉन्स एंड कुकरबिटा टेंडल सो दे दे हैव द सेम कॉमन एंसेस्टर्स लेकिन नाउ दे हैव डाइवर्स्ड एज पर देयर नीड्स करेक्ट सो आई होप द एग्जाम्पल्स आर क्लियर Now, the question number four. So, question number four says that name any two physiological barriers that provide innate immunity. तो हमें कोई भी दो फिजोला फिजियोलॉजिकल बैरियर्स बताने हैं जो हमें इननेट इम्यूनिटी देते हैं ठीक है एक नेचुरल इम्यूनिटी जो हमारी बॉडी में ऑलरेडी प्रेजेंट है तो वो कौन सी है सबसे पहला जो हमारा फिजियोलॉजिकल बैरियर है वो है हमारी स्किन हमारी स्किन जो है वो किसी भी तरह के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की एंट्री हमारी बॉडी में प्रिवेंट करती है और दूसरा है म्यूकस कोटिंग तो ये जो म्यूकस कोटिंग है हमारी एपिथीलियल लाइनिंग में जैसे कि हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक में गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक में या यूरोजेनाइटल ट्रैक में ये अगर हमारी बॉडी में मान लो खाने के साथ नोज के थ्रू कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंटर भी हो जाता है तब भी ये उस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म को ट्रैप करती है और उसकी एंट्री को करती है स्टॉप ठीक है तो आई होप ये क्वेश्चन क्लियर हुआ है और जो इसके और ऑप्शन में क्वेश्चन था वो हमारे सिलेबस में नहीं है इसलिए हम डिस्कस नहीं करेंगे

ये जो प्लांट है ना ये बेसिकली एक ऐसा हाईली पॉइजनस कार्डिक ग्लाइकोसाइड प्रोड्यूस करता है जो कि बहुत ही ज़्यादा पॉइजनस होता है कैटल्स के लिए गोड्स के लिए तो ये क्या है कि ये ग्रो कर रहा है ये फैलता जाता है लेकिन इसको कोई भी कैटल नहीं खाती है क्योंकि अगर वो इसको खाएगी तो ये उनके लिए एक पॉइजन है और पॉइजन होने की वजह से इससे उसकी डेथ भी हो सकती है सो हैंस दे आर नॉट ग्रेज्ड बाय एनी कैटल और गोट तो ऐसी जगह जहाँ पर ये वीड होता है वो यूजली अबैंडन फील्ड्स होती है, क्योंकि वहाँ पर कोई भी ग्रेजिंग एनिमल नहीं जाता है सेकेंड द केमिकल सब्सटेंसेज लाइक निकोटीन कैफीन, क्विनाइन ओपियम

ठीक है तो आई होप द क्वेश्चन इज क्लियर नाउ द क्वेश्चन नंबर सिक्स मॉसेज एंड फ्रॉग्स बोथ नीड वॉटर एज अ मीडियम फॉर फर्टिलाइजेशन राइट सो वाई डज सिनगैमी अकर एंड हाउ इज़ इट इंश्योर्ड बाई इन बोथ ऑफ दीज ऑर्गेनिजम्स तो जो सिनगैमी होती है ना वो यूजली इन दोनों ऑर्गेनिजम्स में होती है इनकी बॉडी के बाहर राइट तो ऑर्गैनिजम से एग्जिबिटिंग एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन शो सिंक्रोनी बिटवीन द सेक्स सो दे रिलीज लार्ज नंबर ऑफ तो मतलब इनमें ऐसा नहीं है कि एक या थोड़े से गैमिट्स होंगे क्योंकि एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन है अब नाउ इट इज अ मैटर ऑफ चांस कि फर्टिलाइजेशन होगा कि नहीं होगा गैमिट्स मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे इसलिए ये बहुत सारे गैमिट्स जो हैं वो रिलीज कर देते हैं अपने सराउंडिंग मीडियम में इन ऑर्डर टू इन्हेंस द चांसेस ऑफ सिंगीट ताकि मेल और फीमेल गैमीट का फ्यूजन हो सके और फर्टिलाइजेशन हो सके और नए इंडिविजुअल्स आ सके इसलिए ये बहुत ही सारे गैमिट्स प्रोड्यूस करते हैं सो क्वेश्चन नंबर सेवन यू आर गिवन कैस्टर इन बीन सीड्स विच वन ऑफ द टू वुड यू सिलेक्ट टू ऑब्जर्व द तो आपके पास कैस्टर है और आपके पास बीन सीड्स हैं तो आप इनमें से किसको सिलेक्ट करोगे जिसमें आप एंडोस्पर्म देखोगे तो देखो अगर हम करेंगे कैस्टर सीड को क्योंकि कैस्टर सीड में ही एंडोस्पर्म होता है विच इज नॉट यूटिलाइज ड्यूरिंग एम्ब्रायो डेवलपमेंट एंड दैट प्रजिस्ट इन द सीड तो सीड के अंदर अंदर जो एंडोस्पर्म है वो हमें सिर्फ कैस्टर सीड में देखने को मिलता है क्योंकि ये वही एंडोस्पर्म है जो कि एम्ब्रायो के डेवलपमेंट में यूज नहीं होता है बल्कि बीन सीड में वो यूज हो जाता है तो हमें एंडोस्पर्म नहीं देखने को मिलता है सीड्स के अंदर बी पार्ट है द डेवलपमेंट ऑफ एंडोस्पर्म प्रीसीड्स दैट ऑफ द एम्ब्रियो इन प्लांट्स जस्टिफाई तो जो एम्ब्रियो बनता है उससे पहले एंडोस्पर्म की डेवलपमेंट क्यों होती है तो बड़ा ही अच्छा सिंपल सा रीजन है क्योंकि जो सेल्स होते हैं ना एंडोस्पर्म के साथ दे आर फुल ऑफ़ दिस रिज़र्व फूड मटीरियल उसमें बहुत सारा फूड रिजर्व मटीरियल होता है विच इज़ यूज फॉर न्यूट्रीशन ऑफ़ द डेवलपिंग एम्ब्रायो तो ये जो रिजर्व फूड है तो एक छोटा सा बेबी है उसे क्या चाहिए उसे डेवलप होने के लिए क्या चाहिए खाना चाहिए अब वो खाना खुद तो बना नहीं सकता तो उसको आस पास से खाना प्रोवाइड करना पड़ता है तो यहाँ पर एंडोस्पोम जो है वो उसको खाना देता है सो इट एक्ट्स एज अ न्यूट्रिशन फॉर द डेवलपिंग एम्ब्रायो क्लियर नाउ क्वेश्चन नंबर एट सो क्वेश्चन अ सेगमेंट ऑफ डी एन ए मॉलिक्यूल कंप्राइजेस फाइव फोर्टी सिक्स न्यूक्लियोटाइट तो हमारे पास एक डी एन ए का मॉलिक्यूल है एक सेगमेंट है डी एन ए का जिसमें हमारे पास फाइव हंड्रेड एंड फोर्टी सिक्स न्यूक्लियोटाइड्स है

तो साइटोसिन हमें फाइंड करना है तो साइटोसिन और गुआनन जो है वो इक्वल होंगे बिकॉज ए इज इक्वल टू टी एंड सी इज इक्वल टू जी तो इन दोनों को आप टोटल कर लो तो 96 एडिनिन है 96 थायमिन है तो टोटल नंबर कितना हो गया इनका सो इट इज 192 तो टोटल न्यूक्लियोटाइड्स कितने थे दैट वाज 546 तो हमें क्या करना है हमें 546 में से 192 को करना है सब्ट्रैक्ट. तो जो आंसर हमारा आया है दैट इज 354 अब इसका मतलब हुआ इसमें से आधा साइटोसिन है और आधा इसमें से गुआनिन है तो कितना होगा आप इसको करोगे 2 से डिवाइड सो दिस मी 177 तो टोटल 177 साइटोसिन है और 177 ही गुआनिन है तो अगर अब आप इस पूरे को टोटल करके देख लो अब 96 प्लस 96 प्लस 117 प्लस 117 तो इसको टोटल करके देख लो तो हमारे पास क्या आंसर आएगा 546 ठीक है तो आई होप द क्वेश्चन इज क्लियर ऐसे ही सिंपल सिंपल क्वेश्चन हमें यूजुअली कैलकुलेशंस के लिए आते हैं बोर्ड्स uh, में भी और इवन नीट में भी इसमें परसेंटेज के फॉर्म में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो एक जो बेसिक कॉन्सेप्ट आपको सबको पता है कि एडेनिन थायमिन के साथ पेयर कर रहा है इसका मतलब कि अगर हमें एडेनिन भी दिया है तो हम इजीली थायमिन निकाल लेंगे अब हमें टोटल नंबर दिया है तो टोटल नंबर में से एडेनिन प्लस थायमिन को हम माइनस कर देंगे तो वो हमारे पास गुआनिन प्लस साइटोसिन आ जाएगा अब दोनों गुआनिन और साइटोसिन इक्वल नंबर में होते हैं ठीक है तो हम उसको हाफ कर देंगे तो हमें यह भी पता चल जाएगा कि साइटोसिन कितने हैं ये भी पता चल जाएगा कि ग्वानन कितने हैं नाउ द क्वेश्चन नंबर टेन सो क्वेश्चन नंबर टेन्स इज हाउ आर डीएनए फ्रेगमेंट्स विजुअलाइज्ड विजुअलाइज ड्यूरिंग जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस एंड व्हाट इज इल्यू इल्यूशन ठीक है इल्यूशन कि so uh, क्या है तो डीएनए एन फ्रेगमेंट्स को हम जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में कैसे देख सकते हैं तो जो डीएनए एन फ्रेगमेंट्स है ना उनको हम देख सकते हैं स्टेन करके हम क्या करेंगे ये हमारा डीएनए एन फ्रेगमेंट है हम इस डीएनए एन फ्रेगमेंट को कर देंगे स्टेन विद इथीडियम ब्रोमाइड डाई तो ये एक डाई है जिससे हम डीएनए एन फ्रेगमेंट को स्टेन करेंगे अब जब हम इसके ऊपर अल्ट्रावायलेट रेज को एक्सपोज करेंगे तो क्या होगा ये हमें ऑरेंज कलर देगा ये हमारे डीएनए को ऑरेंज कलर देगा ठीक है सो so, इल्यूजन क्या है इट इज द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ डीएनए बैंड्स फ्रॉम द जेल एंड इट्स एक्सट्रैक्शन फ्रॉम द जेल तो इसमें क्या है इल्यूजन एक ऐसा प्रोसेस है अब हमने जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस पे हमने डीएनए को छोड़ा ठीक है वहां पर ऑन द बेसिस ऑफ साइज डीएनए एन फ्रेगमेंट्स हमारे अलग अलग हो गए उसको उन फ्रेगमेंट्स को स्टडी करने के लिए हमने क्या किया हमने इथीडियम डाई का यूज़ किया अब हमें डिज़ायर्ड वाला डीएनए फ्रेगमेंट हमें निकालना है ठीक है तो हम क्या करेंगे हम एक प्रोसेस करेंगे इल्यूजन जिसमें कि विच मीन्स द रिमूवल ऑफ़ डीएनए बैंड्स फ्रॉम दैट एग्रोज जेल एंड

He does not want to spray insecticides. ठीक है तो ये corn borer वाला जो infection है ठीक है वो उसकी crop में आ गया लेकिन because he is very concerned about the environment too, तो वो नहीं चाहता है कि हम वहां पर insecticides का spray करें So suggest a solution based on your knowledge of biotechnology. तो आप एक biotechnologist हैं आप उसको एक solution दो इस problem का So write the steps to be carried out टू अचीव इट तो आप इसके स्टेप्स लिखो जिससे कि जिससे कि आप उसकी ये प्रॉब्लम सॉल्व कर दोगे मतलब आपको आंसर लिखना है पॉइंट्स में सिंपल ठीक है सो प्लांट्स कैन बी मेड इंसेक्ट रेजिस्टेंट by इंट्रोड्यूसिंग इंसेक्ट रेजिस्टेंट जीन इन देयर जेनेटिक material. तो एक इंसेक्ट रेजिस्टेंट जीन हम उस प्लांट में डाल देंगे ताकि उस पर्टिकुलर जो इन्फेक्शन है जो कॉर्न बोरर का इन्फेक्शन है उससे हमारी क्रॉप बच सके सो so, सबसे पहले हम क्या करेंगे बीटी टॉक्सिन जीन को एक्सट्रैक्ट करेंगे एक बैक्टीरिया से जिसे हम बोलते हैं सबको पता होगा क्या बोलते हैं जेनेसिस ठीक है सो so, इससे हम करेंगे अपने बीटी टॉक्सिन को आइसोलेट करेंगे एक्सट्रैक्ट करेंगे नाउ द बीटी टॉक्सिन जीन इज देन इंट्रोड्यूस्ड इन द प्लांट सेल अब इसी जीन को हम प्लांट के सेल में इंट्रोड्यूस कर देंगे एंड नाउ एक्सप्रेस्ड इन द कॉर्न टू प्रोवाइड रेजिस्टेंट टू द बोरर विदाउट द नीड ऑफ इंसेक्टिसाइड इस बी टॉक्सिन इस बीटी जीन को हम जब प्लांट में डाल देंगे यूजिंग अ वैक्टर ठीक है हम एक एग्रो बैक्टीरियम यूज करके इसको हम डाल देंगे इन द प्लांट uh, जब प्लांट में ये जाएगा तो प्लांट में ये खुद को एक्सप्रेस करेगा और इससे ये जो इन्फेक्शन है ना बोरर का ये नहीं होगा और इसी से हम क्या हो पाएगा कि हमने इंसेक्टिसाइड का यूज़ किए बिना ही हमने अपनी क्रॉप को बचा लिया उस पर्टिकुलर इन्फेक्शन से सो नाउ द टॉक्सिन ये जो टॉक्सिन है ना इट इज कोडेड बाय अ जीन नेम क्राय ठीक है तो इसी से क्राय प्रोटीन बनता है सो द प्रोटीन एनकोडेड बाय जीन क्राय वन ए बी कंट्रोल कॉन बोरर विदाउट कॉजिंग हार्म टू द एनवायरमेंट बिना एनवायरमेंट uh, को हार्म किए यहाँ पर ये जो जीन है ना ये इस इन्फेक्शन को कंट्रोल कर लेगा सो दिस इज हाउ एज अ बायोटेक्नोलॉजिस्ट हम बिना इंसेक्टिसाइड का यूज करें अपनी क्रॉप्स को बचा सकते हैं क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व सेज दैट स्टेट टू ऑब्जर्वेशन मेड बाय जर्मन नेचुरलिस्ट एलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट ड्यूरिंग हिज एक्सटेंसिव एक्सप्लोरेशन इन साउथ अमेरिकन जंगल्स तो उनकी दो ऑब्जर्वेशंस बतानी हैं तो सबसे पहले क्या थी कि जैसे ही हम एक एरिया को एक्सप्लोर करते हैं जैसे ही हम उस एरिया को बढ़ाते जाते हैं अपने एक्सप्लोरेशन वाले एरिया को बढ़ाते जाते हैं कि पहले हमने इतने में एक्सप्लोर किया अब हमने अपना एक्सप्लोर करने का एरिया बढ़ा दिया तो स्पीशीज रिचनेस जो है ना, वो बढ़ती जाती है लेकिन अप टू अ सर्टेन लिमिट सो विद विद द रीजन स्पीशीज रिचनेस इंक्रीज इंक्रीज व्हेन इंक्रीजिंग द एक्सप्लोरड एरिया बट ओनली अप टू अ सर्टन लिमिट लेकिन एक लिमिट तक ही ठीक है इट इंक्रीज़ विद इंक्रीज़िंग द एक्सप्लोर्ड एरिया नाउ द रिलेशन बिटवीन द स्पीशीज रिचनेस एंड द एरिया स्पीशीज रिचनेस और एरिया के बीच में जो रिलेशनशिप है फॉर अ वाइड वेराइटी ऑफ टेक्सा इज़ अ रेक्टेंगुलर हाइपर बोला तो वो हमें कुछ ऐसा हमें एक ग्राफ देखने को मिलता है जिसमें कि यहाँ पर एरिया होता है और यहाँ पर होती है स्पीशीज रिचनेस ठीक है सो so, Uh, this is um, for most of the species, it is the rectangular hyperbola. So, these were the two observations made by him. Now, or part question number 12. So, if a population size n. बर्थ रेट इज़ बी एंड डेथ रेट इज डी द इनक्रीज और डिक्रीज इन एन डेट इज़ द पॉपुलेशन साइज ड्यूरिंग द यूनिट टाइम पीरियड टी विल बी तो इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाई इक्वेशन डी एन बाई डी टी इज इक्वल टू बी माइनस डी मल्टीप्लाइड बाई एन तो ये वही सेम इक्वेशन है जो हमने अपनी बुक में पढ़ी है तो यहाँ पर हम बी माइनस डी को आर भी लिख सकते हैं तो हमें ये बताना है कि बी माइनस डी है क्या सॉरी आर क्या है और इस आर को कैलकुलेट करने का सिग्निफिकेंस क्या है अगर हम किसी भी पॉपुलेशन में आर को कैलकुलेट कर रहे हैं तो उसका क्या सिग्निफिकेंस है तो सबसे पहले आर जो है वो रिप्रेजेंट करता है एक इंट्रेंसिक रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ पॉपुलेशन ठीक है तो ये क्या है इट इज बेसिकली द डिफरेंस बिटवीन द बर्थ रेट एंड द डेथ रेट राइट right? तो अब इसको कैलकुलेट करने से हमें क्या पता चलेगा अगर आर जो है वो बढ़ रहा है इसका मतलब है कि हमारी जो पॉपुलेशन है वो बढ़ रही है द पॉपुलेशन इज ग्रोइंग राइट वहीं पर अगर आर जो है वो घट रहा है इसका मतलब कि जो पॉपुलेशन की ग्रोथ है ना वो भी स्लो डाउन हो गई है सो इफ़ द वैल्यू ऑफ आर इज़ इंक्रीजिंग इट सिग्निफाइज द ग्रोथ ऑफ द पॉपुलेशन एंड इफ इट इज डिक्रीजिंग दैन द पॉपुलेशन ग्रोथ हैज़ स्लोड डाउन क्वेश्चन नंबर थर्टीन वेन एंड वेयर डज टेपिटम एंड सेनरजिड्स डेवलप इन फ्लावरिंग प्लांट्स एंड मैंशन देयर फंक्शंस तो फ्लावरिंग प्लांट्स में टेपिटम और सेनरजिड्स कब डेवलप होते हैं और उनके फंक्शंस क्या हैं तो देखो टेपिटम बनता है जब हमारा मेल गेमिटोफाइट डेवलप हो रहा होता है और Synergids बनते हैं माइक्रोस्पोरेंजियम हो है, तो है, बनता है उसी टाइम पर क्या बनता है टेपिटम बनता है विच इज फॉर्म्ड एज अ सेलुलर आउटसाइड द स्पोरोजीनस टिश्यू तो ये एक सेलुलर स्पोरोजीनस टिश्यू के बाहर एक सेलुलर लेयर की फॉर्म में हमें टेपिटम देखने को मिलता है और इसका काम क्या है इसका फंक्शन क्या है इट हेल्प्स इन प्रोवाइडिंग न्यूट्रिशन टू द माइक्रोस्पोर तो माइक्रोस्पोर माइक्रोस्पोर क्या है माइक्रोस्पोर है एक Uh, एक स्ट्रक्चर जिससे कि हमें क्या मिलेगा हमें फाइनली मेल गेमिटोफाइट मिलेगा इन केस ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स दूसरा है सेनर्जिट्स तो सेनर्जिट्स इज इट इज फॉर्म्ड इनसाइड द द सैक ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ मेगा स्पोरोजेनेसिस तो जब मेगा स्पोरोजेनिस हो रही होती है जब फ्लावरिंग प्लांट्स में फीमेल गेमिटोफाइट जो है वो डेवलप हो रहा होता है वहां पर बनते हैं एम्ब्रोस सैक embryo के अंदर सेनरजिट्स नाउ इट हैज अ फिलीफॉर्म एपरेटस तो इसके पास होते हैं फिलीफॉर्म एपरेटस आपको याद होगा ऐसे स्ट्रक्चर हमें देखने को मिलते थे हमारे एम्ब्रायो सैक के अंदर जो हमारी कि हमारी पॉलिन ट्यूब को गाइड करते हैं कि कहाँ किस तरफ को जाना है ठीक है सो दे डायरेक्ट द ग्रोथ ऑफ द पॉलिन ट्यूब टूवर्ड्स द एम्ब्रायो सैक तो यही है इनका फंक्शन क्वेश्चन नंबर थर्टीन और पार्ट वेयर आर द फॉलोइंग स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट इन मेल गेमिटोफाइट ऑफ एन एंजोस्पॉम तो हमें बताना है कि ये जो मेल गेमिटोफाइट के नीचे स्ट्रक्चर्स दिए हुए हैं ये कहाँ पर होते हैं ठीक है और दूसरा इन सब का एक एक फंक्शन बताना है तो सबसे पहले आता है जॉम पोर तो जो पोर सोचो कहां पर मिलता था एक छोटा सा पोर कहां पर था पोलिन ग्रेन में सो इट इज प्रेजेंट ऑन द पोलिन ग्रेन इट इज अ पॉइंट जहां पर वो एग्जाइन एक्सटर्नल लेयर और स्पोरो पोलिन जो है वो एबसेंट होते थे द कॉन्टेंट ऑफ द पोलिन ग्रेन इट एक्चुअली मूवज इन टू अब ये था हमारा एक पोलिन ग्रेन ठीक है यहीं पर हमें एक पोर सा देखने को मिलता था जहां पर एग्जाइन और नहीं होते थे और ये वही पोर है जहां से पॉलिन ग्रेन का कंटेंट जो है वो पॉलिनेशन के बाद जब पॉलिन ट्यूब बनती है तो पॉलिन ट्यूब में कहाँ से जाता है क्योंकि स्पोरोपोलिनन हमने पढ़ा है कि बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है राइट तो जितना भी कंटेंट है हमारे पोलिन ग्रेन में वो इसी जर्म पोर के थ्रू पोलन ट्यूब में एंटर करता है मतलब जो दोनों मेल गैमिट्स हैं वो इसी जर्म पोर के थ्रू पोलिन ट्यूब में एंटर करते हैं दूसरा है स्पोरोपोलिनिन तो स्पोरोपोलिनिन क्या है तो स्पोरोपोलिनिन है हमारा एक ऐसा केमिकल जो हमारे आउटर सरफेस में होता है ऑफ द पोलिन ग्रीन इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट रेजिस्टेंट ऑर्गेनिक मटेरियल। मतलब कोई भी ऐसा एंजाइम, कोई भी ऐसा केमिकल कोई भी टेम्परेचर uh, की कंडीशन कोई भी पीएच uh, की या ह्यूमिडिटी या कुछ भी कोई भी ऐसी चीज़ आज तक नहीं डेवलप हुई है जो इसको डिग्रेड कर सके सो इट इज़ नोन टू विद स्टैंड हाई टेम्परेचर एंड स्ट्रॉन्ग अल्कली एंड एसिड्स राइट सो नो इन्साइम इज स्टिल नोन दैट कैन एक्चुअली डिग्रेड स्पोरोपोलिन। ठीक है तो इसका फंक्शन क्या हुआ इट बेसिकली प्रोटेक्ट द इनर कॉन्टेंट ऑफ द पॉलिन ग्रेन ग्रेन क्योंकि पॉलिन का क्या गनी है, है तो अगर ये इतने डेलीकेट होंगे तो क्या हो जाएगा अगर डेलीकेट होंगे तो ये टूट जाएंगे अंदर का पूरा स्ट्रक्चर बाहर आ जाएगा सारे मेल गैमिट्स जो है वो इधर उधर फैल जाएंगे और पॉलिनेशन नहीं होगी ठीक है सी पार्ट है जेनरेटिव सेल तो जेनरेटिव सेल कहाँ होता है तो ये हमारा एक ग्रेन होता है तो ग्रेन में ना एक बड़ा सा सेल होता है जिसे हम वेजिटेटिव सेल बोलते हैं और उसी के अंदर एक छोटा सा सेल होता है जिसे हम जेनरेटिव सेल बोलते हैं विच गिव्स राइज टू मेल गैमिट्स ड्यूरिंग माइटोसिस तो ये वही सेल है पॉलन ग्रेन के अंदर जहाँ से माइटोसिस के थ्रू माइटोसिस वॉट इट इज़ अ सेल डिविजन और उसी से यहाँ पर मेल गैमिट्स अराइज होते हैं तो आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर सो नाउ द क्वेश्चन नंबर फोर्टीन कंस्ट्रक्ट अ फ्लो चार्ट एक्सिबिटिंग सीक्वेंशियल इवेंट्स ऑफ ऊ जेनेसिस तो हमें ऊ जेनेसिस को एक्सप्लेन करना है तो सबसे पहले उगोनिया गोनिया क्या होता है ये मदर सेल होता है जिससे ओवम बनता है तो ये जो ऊगोनिया होता है इट इज़ डिप्लॉयड मतलब यहां पर 46 सिक्स क्रोमोजोम्स होते हैं तो ये जो क्रोमोजोम्स होते हैं ना ये जो ऊगोनिया होता है ऊगोनिया अंडर गोज माइटोसिस तो जब माइटोसिस होता है तो ऊगोनिया से बनते हैं कुछ प्राइमरी ऊसाइट्स ठीक है ये एक से दो और दो से चार बनते हैं ठीक है तो ऐसे बहुत सारे प्राइमरी ऊसाइट्स जो हैं वो हमारी बॉडी में बन के एक फीमेल की बॉडी में बन के ओवरी में ही कहीं स्टोर हो जाते हैं वो भी फीटल लाइफ में मतलब जब एक फीमेल फीटल लाइफ में होती है जब फीटर्स होती है तभी बन जाते हैं अब ये वहीं पर इसी स्टेज पर अब ये प्राइमरी जो है वो अरेस्ट हो जाते हैं वहीं पर इनकी जो डिवीजन है ग्रोथ है वो स्टॉप हो जाती है अब जैसे ही यहाँ पर प्राइमरी जो डिवीजन है ठीक है जैसे ही एक जो फीमेल है वो पैदा होती है उसके बाद चाइल्डहुड स्टेज आती है और जब प्यूबर्टी हिट होने वाली होती है तब जो प्राइमरी म्योटिक फर्स्ट म्योटिक हैं, वो अब स्टार्ट हो जाती हैं और मतलब ये जो साइट है ये बेसिकली प्रोफेज़ वन में प्रोफेज़ वन ऑफ मियोसिस वन में अरेस्ट हो चुकी होते हैं फीटर लाइफ में अब जब प्यूबर्टी हिट होने वाली होती है तब यहाँ से फर्दर जो इसका सेल डिविजन का साइकिल है वो होता है स्टार्ट और फाइनली ये जो एक प्राइमरी ऊ साइट है जो डिप्लॉयड था अब ये बना देता है फर्स्ट पोलर बॉडी ठीक है जिसे हम एन से रिप्रेजेंट करते हैं और यहाँ पर हमारा बन जाता है सेकेंडरी ऊ विच इज़ विच इज़ हेप्लॉयड इन नंबर ठीक है अब क्योंकि यहाँ पर मेयोसिस हुई है तो विच इज़ अ रिडक्शनल डिवीजन तो पहले अगर डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म था अब वो बन जाता है हेप्लॉयड अब फर्दर ये जो ऊ साइट है ये रिलीज करता है ओवम और एक सेकेंडरी पोलर बॉडी ठीक है तो ये जो ओवम होता है ना यही होता है हमारा फीमेल गैमिट तो जब भी ओव्यूलेशन होती है तो फीमेल की जो ओवरी होती है वो रिलीज करती है ओवम तो अब यहाँ पर जो नंबर ऑफ क्रोमोजोम्स हैं वो हो जाते हैं ट्वेंटी राइट सो आई होप दिस is clear to everyone. Now the question number 15 draw LS of embryo of grass and label its parts. to so, hame basically ek monocot embryo banana hai ठीक है? तो जो ये structure बना हुआ है, आपको as it is बनाना है और जो labelled parts है, वो भी exactly same यही पार्ट्स को आपको लेबल करना है किसी को भी आप मिस नहीं करेंगे तो सबसे पहले अगर हम टॉप में देखें तो हमने इस स्ट्रक्चर को मार्क किया हुआ है एज क्यूटैलम और वहीं पर आप नीचे आ जाओ तो हमने एक स्ट्रक्चर को मार्क किया है दैट इज कॉलरिज्म तो ये दोनों वही स्ट्रक्चर हैं जो कॉटिलीडेंस को डेवलप करते हैं ठीक है थीके? उसके बाद आ जाता है हमारा नेक्स्ट स्ट्रक्चर दैट इज क्लियो तो क्लियो बेसिकली एक शीत है जो कि कवर करती है प्लीम्यूल को तो प्लीम्यूल क्या है प्लीम्यूल से डेवलप होते हैं शूट्स ठीक है तो ये यंग प्लीम्यूल को कवर करने का प्रोटेक्शन देने का काम करती है कॉलरिजाम उसके बाद आ जाता है एपिब्लास्ट तो ये वही पोर्शन है जहां से जर्म लेयर्स डेवलप होती हैं क्चर radical. So, radical है जहां से रूट्स डेवलप होती है और इनको प्रोटेक्ट करने का काम करता है रूट कैप तो रेडिकल से ही डेवलप होती है रूट कैप जो कि यंग रेडिकल्स को प्रोटेक्ट करने का काम करती है तो so, जब भी आपको एक एम्ब्राय ग्रास के एम्ब्राय का स्ट्रक्चर बनाने को आएगा तो आप ये बनाएंगे और साथ में इन सभी पार्ट्स को आप करेंगे लेबल नाउ द क्वेश्चन और पार्ट ड्रॉ अ डायग्रामेटिक सेक्शनल व्यू ऑफ अमिनीस ट्रिब्यूल एनलार्ज्ड वन इन ह्यूमंस एंड लेबल इट्स पार्ट्स तो अगेन एक लेबलिंग वाला क्वेश्चन है मतलब एक डायग्राम वाला क्वेश्चन है तो ये क्वेश्चंस बहुत ही ज्यादा स्कोरिंग होते हैं तो इस क्वेश्चन में आपको सेमिनिफेरस ब्यूल का एक एलार्ज स्ट्रक्चर बनाना है जो कि आपकी बुक में भी दिया हुआ है एग्जैक्टली सेम एज इट इज यही बनाना है और इन्हीं पार्ट्स को आपको करना है लेबल तो सबसे पहले अगर आप देखें तो यहां पर हमने ये बड़े बड़े सेल्स दिखाए हैं सो वी विल मार्क देम एज पर मेटोगोनियम ठीक है स्पर्मेटोगिया के बाद बीच में हमें ये सब स्पर्मेटोगिया है यहाँ पर हमें बीच में कुछ अलग तरह के सेल्स दिखाई दे रहे हैं जिन्हें हम सर्टोली सेल्स बोलते हैं सर्टोली सेल्स जो हैं वो ये हमारा जो स्पर्म्स होते हैं या प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स होते हैं इनको नरिशमेंट प्रोवाइड करते हैं इनको न्यूट्रिशन देने का काम करते हैं सर्टोली सेल्स उसके बाद ये जो स्पर्मेटोगोनिया है इन्हीं से डेवलप होते हैं प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स से डेवलप होते हैं फिर सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स और सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से डेवलप होते हैं स्पर्मेटिड्स तो ये आप देख रहे हो दीज आर एम्बेडेड इन टू द Uh, into the seminiferous tubules. So these are spermatids and spermatids के बाद बनते के बाद बनते हैं हमारे mature sperms जिनको हम spermatozoa भी बोलते हैं whose heads are basically not embedded into the seminiferous tubules. So this is an enlarged view of seminiferous tubules. तो so, अगर आपको structure आएगा तो आप यही सब कुछ बनाओगे ठीक है नीचे से start करोगे ऊपर की तरफ labeling करना तो सबसे पहले स्पर्मेटोगोनिया आता है स्पर्मेटोगोनिया से बनते हैं प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट फिर सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट फिर स्पर्मेटेट्स और फाइनली स्पर्मेटोजोआ ठीक है और सर्टोली सेल्स जो है वो नरिशमेंट प्रोवाइड करने का काम करते हैं नाउ द क्वेश्चन नंबर सेज दैट हाउ डज म्यूटेशन अकर तो म्यूटेशन कैसे होती हैं सो म्यूटेशन बेसिकली एक ऐसा फिनोमिना है जहाँ पर हमारे डी एन ए सीक्वेंस में ऑल्टरेशन हमें देखने को मिलती हैं तो इसके जो रीजनस है ना वो बड़े सारे हैं Uh, सबसे पहला है कि यहाँ पर या तो हमारे डीएनए एन कॉपिंग में कोई एरर हो जाए ठीक है सो फर्स्ट रीज़न इज़ एरर इन रेप्लीकेशन ठीक है दूसरा है कुछ रेज कुछ रेडिएशंस जो हैं जैसे कि अल्ट्रा वायलट रेडिएशंस हैं तो ये भी इनकी वजह से भी होते हैं क्या इनकी वजह से भी हमें म्यूटेशंस देखने को मिलती हैं सो कॉन्सिक्वेंटी रिजल्ट इन द ऑर्गेनिज्म सो दिस लीड्स टू म्यूटेशंस द बी पार्ट सेज डिफ्रेंशिएट बिटवीन पॉइंट एंड फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन तो पॉइंट और फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन्स में क्या फ़र्क है तो पॉइंट म्यूटेशन मतलब एक सिंगल बेस पेयर पर हमें किसी तरह का चेंज देखने को मिल रहा है सो म्यूटेशन ड्यू टू चेंज इन द सिंगल बेस पेयर ऑफ द डीएनए। अब ये सिंगल बेस पेयर से ऐसा ही नहीं है कि सिर्फ डीएनए के सीक्वेंस में चेंज आया है इसे एमआरएनए के सीक्वेंस में भी चेंज आएगा उससे हमारे प्रोटीन्स के सीक्वेंस में भी चेंज आएगा तो ये एक एक सिंगल बेस पेयर जो है ना डीएनए का जो रेप्लीकेशन जो रेप्लीकेट होता है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि इवन एक सिंगल बेस पेयर के चेंज होने से हमारा पूरे का पूरा प्रोटीन्स का सीक्वेंस चेंज हो सकता है द नेक्स्ट वन इज अ फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन तो फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन क्या होती है सो दिस इज़ डिलीशन एंड इंसर्शन ऑफ बेस पेयर्स ऑफ डी एन ए कॉजेज़ फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन अगर किसी भी तरह का हमारा एक डी एन ए है डी एन ए में कुछ बेसिस हैं उन बेसिस में किसी तरह की डिलीशन हो जाती है किसी तरह की इंसर्शन हो जाती है ठीक है मतलब कि ये था हमारा एक सीक्वेंस एक डी एन ए था अब डी एन ए में ये थे हमारे बेसिस मान लो ये एक यहाँ से डिलीट हो गया या यहाँ पर एक बेस पेयर एक बेस जो है वो ऐड हो गया तो इससे हमारी पूरी की पूरी फ्रेम जो है वो शिफ्ट हो जाती है फ्रेम कैसे शिफ्ट होगी यही डीएनए से हमारा बनेगा क्या एमआरएनए ठीक है इसी एमआरएनए से हमारे बनेंगे प्रोटीन्स तो अब प्रोटीन्स कैसे बनते हैं हमारे पास होता है एक कोड ठीक है तो तीन बेस पेयर मिलकर हमें बनाते हैं हमारा एक कोड ठीक है तो ये जो कोडोन होता है इसी के कॉम्प्लीमेंट्री एक कोडोन आएगा वो अटैच होगा और उसी के कॉम्प्लीमेंट उसी से रिलेटेड uh, जो अमाइनो एसिड है वो आएगा ठीक है अगर यहाँ से मान लो Uh, सबसे बेसिक है हमारा AUG, जी ठीक है AUG जी क्या है AUG जी एक स्टार्ट को डोन है मान लो यहाँ से हमारी रेप्लीकेशन uh, मतलब यहाँ से हमारा क्या शुरू होना था यहाँ से शुरू होनी थी हमारी इनिशिएशन होनी थी है ना मतलब यहाँ से हमारी ट्रांसलेशन की इनिशिएशन होनी थी अब यहाँ पर डी एन ए में ही कुछ चेंज आ गया डी एन ए में ही ये जो एक पर्टिकुलर बेस पेयर है ना ये पूरा हो गया चेंज चेंज हो गया इंसर्ट हो गया या कुछ और डिलीट हो गया अब यहाँ पर ए यू जी जहाँ पर होना चाहिए था वहाँ पर है ही नहीं तो क्या यहाँ पर ट्रांसलेशन शुरू हो पाएगी तो ऑफ कोर्स नहीं होगी जब तक इनिशिएशन को डोन नहीं होगा ट्रांसलेशन शुरू नहीं होगी प्रोटीन्स की सिंथेसिस शुरू नहीं होगी ठीक है सो दिस कॉजिस द शिफ्ट इन द फ्रेम सो दैट इज वाई इट कॉजेज फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशंस अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे सो क्वेश्चन नंबर 17 सेज यूज ऑफ हैवी आइसोटोप्स ऑफ नाइट्रोजन तो यहाँ पर जो हम हैवी आइसोटोप लेते हैं दैट इज नाइट्रोजन 15। बाय मेसल्सन एंड स्टॉल एक्सपेरिमेंट फॉर सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल एक्सप्लेन हाउ डिड दे अराइव एट द कंक्लूजन तो ये जो सेमी कंजर्वेटिव वाला जो मोड है डीएनए रेप्लिकेशन का इसके लिए जो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था उसके लिए मेसेल्सन एंड स्टॉल ने एक एक हैवी आइसोटोप लिया था नाइट्रोजन का दैट वाज नाइट्रोजन 15 ठीक है तो कैसे उन्होंने क्या किया था और कैसे वो अपने कंक्लूजन में पहुंचे थे तो आपको ये बताना है बेसिकली आपको इनका वो जो एक्सपेरिमेंट है ना वो बताना है तो मेसेल्सन एंड स्टॉल दे प्रूव दैट सेमी कंजर्वेटिव प्रूव द सेमी कंजर्वेटिव डी एन ए रेप्लीकेशन तो नाइनटीन हंड्रेड एंड फिफ्टी एट तो उसमें था मैं एंड स्टॉल ने कंडक्ट किया था एक एक्सपेरिमेंट और किसके ऊपर किया था सो दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट ई कोलाय के ऊपर विच डिवाइड्स एवरी ट्वेंटी मिनट्स तो हमें पता है कि जो ई e. कोलाय होता है ना वो बहुत जल्दी जल्दी डुप्लीकेट करता है ठीक है फटाफट रेप्लीकेट करता है बीस मिनट में अगर हमारे पास एक ई e. कोलाय था तो बीस में हमें दो मिल जाएंगे वहीं पर अगले 40 मिनट्स में हमें कितने मिल जाएंगे और चार मिल जाएंगे मतलब और चार नहीं, चार मिल जाएंगे ठीक है तो ऐसे ही फटाफट 20-20 मिनट्स में ये डुप्लीकेट करता जाता है तो विद इन एन आवर हमें बहुत सारे क्या मिल जाएंगे बहुत ही सारे ईकोलाय e. मिल जाएंगे सो टू स्टडी द एप्लीकेशन ऑफ डी एन ए दे यूज ईकोलाय अब उन्होंने क्या किया उन्होंने सबसे पहले ई e. कोलाई को ग्रो किया एक मीडियम में जहाँ पर हैवी नाइट्रोजन का उन्होंने यूज़ किया हैवी आइसोटोप ऑफ नाइट्रोजन दैट इज़ एन एच फोर सी एल और ये जो नाइट्रोजन था इट वॉज़ एन फिफ्टीन सो बहुत सारी जेनरेशन्स को ई e. कोलाई की बहुत सारी जेनरेशन्स को उन्होंने सेम ही मीडियम में ग्रो किया और इससे क्या हुआ ये जो N15 था ना ये कहीं ना कहीं उन सभी के अंदर इनकॉर्पोरेट हो गया हर एक एककोलाई के अंदर हमें ये N15 देखने को मिला ठीक है जितने भी नए सिंथेसाइज हुए डीएनए उन सभी के अंदर हमें एन फिफ्टीन देखने को मिला नाउ दिस हैवी डीएनए कैन बी डिफ्रेंशिएटेड फ्रॉम द नॉर्मल वन तो अब हम इजीली इस हैवी डीएनए को एक नॉर्मल डीएनए के साथ डिफरेंशिएट कर सकते हैं बाय यूजिंग सेंट्रीफ्यूगेशन इन सीजियम क्लोराइड दैट इज सी एस सी एल डेंसिटी ग्रेडियंट तो हम इसको सीजियम क्लोराइड डेंसिटी ग्रेडियंट में हम इसको यूज कर सकते हैं ठीक है मतलब की मदद से हम हैवी और लाइट जो डी एन ए मॉलिक्यूल था हम उनको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं अब क्या किया अब जो सेल्स थे उनको ट्रांसफर कर दिया हमने एक मीडियम में विद नॉर्मल एन एच फोर सी एल मतलब अब लाइट नाइट्रोजन वाले लाइट हा आइसोटोप वाले नाइट्रोजन में हमने उस पूरे के पूरे उन सेल्स को ट्रांसफ़र कर दिया एंड टुक सैंपल्स एट डेफिनेट टाइम इंटरवल्स एज द सेल्स मल्टीप्लाई तो अब यहाँ भी क्योंकि इक्वल आया था वो हर 20 मिनट में मल्टीप्लाई कर रहा था तो हमने क्या किया हम थोड़े थोड़े बीच में हम वो ना सैंपल्स लेते गए उनका और उनको चेक करते गए सो एक्सट्रैक्टेड डी एन एज एक्सट्रैक्टेड डी एन ए व सेंट्रीफ्यूज एंड मेजर्ड टू गेट देर डेंसिटीज अब जितना भी डी एन ए उन्होंने एक्सट्रैक्ट किया था उसको उन्होंने सेंट्रीफ्यूज किया और क्योंकि सेंट्रीफ्यूफ्यूगेशन से क्या पता चल रहा था कि हेवी डीएनए कितना है और नॉर्मल डीएनए कितना है तो उस सेंट्रिफ्यूगेशन की मदद से उन्होंने वो जो डेंसिटी थी उसको चेक करते रहे देन डीएनए एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द कल्चर आफ्टर वन जनरेशन ऑफ ट्रांसफर फ्रॉम एन फिफ्टीन मीडियम टू एन फोर्टीन मीडियम शोड एन इमीडिएट हाइब्रिड डेंसिटी तो अब क्या था पहले तो हमने उनको सिर्फ हैवी आइसोटोप वाले नाइट्रोजन में ग्रो किया था अब हमने उनको शिफ्ट कर दिया था किसमें एक नॉर्मल नाइट्रोजन वाले मीडियम में राइट right? तो इसी से जब अब उन्होंने डीएनए को एक्सट्रैक्ट करना शुरू किया ना तो उन्होंने एक एक इंटरमीडिएट हाइब्रिड डेंसिटीज़ उन्हें देखने को मिली मतलब जहाँ पर नॉर्मल डीएनए भी था और दूसरा जो उनका स्ट्रैंड था वो था हेवी नाइट्रोजन वाला डीएनए स्ट्रैंड। ठीक है सो द डीएनए एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम कल्चर आफ्टर टू जनरेशन शोड इक्वल अमाउंट ऑफ लाइट एंड हाइब्रिड डी एन ए तो यहाँ पर जो लाइट डी एन ए है दैट इज एन फोर्टीन और हाइब्रिड में हमारे पास एन फोर्टीन और एन फिफ्टीन वाला है ठीक है तो इसको अब हम देखते हैं एक एक डायग्राम के थ्रू भी अब इसे समझते हैं कि क्या उन्होंने कंक्लूड किया था अब इसको एक इमेज के एक डायग्राम के फॉर्म में समझते हैं कि हमारे पास पहले तो हमने सभी के सभी इको को ग्रो किया था इन एन फिफ्टीन एक हैवी हाइड आइसोटोप ऑफ नाइट्रोजन के मीडियम में उसके बाद ट्वेंटी मिनट्स बाद जब हमारा ईको क्या हुआ हमारा ईकोलाय मल्टीप्लाई हुआ ठीक है डिवाइड हुआ तो फर्स्ट जनरेशन में अब हमने देखा कि जब हम इस इस एन फिफ्टीन वाले डीएनए को जब हमने अब हमने इसको शिफ्ट कर दिया था इन टू एन फोर्टीन मतलब लाइट वाले नाइट्रोजन के आइसोटोप में तो हमने फर्स्ट जनरेशन में देखा कि जो हमारा एक डीएनए है ठीक है so, सो एक जो स्ट्रैंड है डीएनए का वो एक हैवी नाइट्रोजन का आइसोटोप है और दूसरा जो है वो लाइट वाला बैंड है ठीक है तो सेम दूसरे में भी था जब हमने नेक्स्ट जेनरेशन में देखा तो नेक्स्ट जेनरेशन में हमें ये देखने को मिला कि हमारे मैक्सिमम जो आ, जो बैंड्स थे देवर ऑफ लाइट देवर लाइट बैंड्स और हाइब्रिड बैंड्स जो थे वो बहुत ही कम थे ठीक है तो इसमें ये वाला जो है ये एन फिफ्टीन वाला था और यहाँ पर ये वाला जो है ये एन फिफ्टीन वाला है ठीक है तो बेसिकली जेनरेशन वन और जेनरेशन टू में हमें बहुत ज्यादा लाइट बैंड और बेसिकली हमें हाइब्रिड देखने को मिली क्यों क्योंकि होता क्या है कि अगर ये हमारा एक डीएनए स्ट्रैंड है तो हर एक डीएनए स्ट्रैंड जो है वो एक टेम्पलेट एक्ट करता है तो वो वाला जो डीएनए स्ट्रैंड है वो तो सेम ही रहेगा लेकिन जो दूसरा डीएनए स्ट्रैंड बनेगा वो अलग होगा उस टेम्पलेट स्ट्रैंड से तो इससे हमें पता चला कि जो डीएनए की रेप्लीकेशन है ना वो सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ रेप्लीकेशन है ठीक है कंजर्वेटिव तो वो कहीं से नहीं थी ऐसा नहीं था कि एग्जैक्टली exactly सेम हमें डॉटर uh, स्ट्रैंड्स देखने को मिल रहे हैं तो कंजर्वेटिव तो वो बिल्कुल भी नहीं थी सो दिस इज हाउ दे प्रूव दैट द रेप्लीकेशन द डीएनए रेप्लीकेशन इज सेमी कंजर्वेटिव इन नेचर अब इसके और पार्ट में क्वेश्चन पूछा गया था एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ ट्रांसलेशन दैट अकर्स इन राइबोसोम्स इन प्रोकैरियोट्स तो प्रोकैरियोट के राइबोसोम्स में हमें ट्रांसलेशन का मैकेनिज्म बताना है तो क्या कैसे होता है ट्रांसलेशन होता है, क्या है ट्रांसलेशन इज बेसिकली द सिंथेसिस ऑफ़ प्रोटीन्स फ्रॉम एम आर एन ए तो यहाँ पर एम आर एन ए टेम्पलेट एक्ट करता है और ये जो प्रोसेस है ये कहाँ पर होता है सो दिस टेक्स प्लेस इन राइबोजोम्स तो यहाँ पर एक छोटा जो सब यूनिट होता है राइबोजोम का राइबोजोम के होते हैं दो सब यूनिट जो छोटा वाला सब यूनिट होता है वहाँ पर मसेंजर आर एन ए आता है मतलब बेसिकली ये जो स्मॉल सब यूनिट है ये मसेंजर आर एन ए के साथ जाके मिल जाता है और यही से प्रोटीन सिंथेसिस शुरू होती है अब दूसरी तरफ से आएगा जो बड़ा सब यूनिट है आरएनए का सॉरी राइबोसोम का वो आएगा वहाँ पर हमारा एक टी करके एक मॉलिक्यूल होता है जिसे हम टी आर बोलते हैं वो बाइंड कर जाता है तो जो हमारा छोटा वाला सब यूनिट है वो एक तरह से रीड करता जाता है हमारा क्या हमारा एम आर एन ए का सीक्वेंस रीड करता जाता है और दूसरी तरफ से जो बड़ा सब यूनिट है वो उसके कॉम्प्लीमेंट्री टी आर एन ए को लाता है और उससे एसोसिएटेड यहाँ पर होगा कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस ऑफ दिस एम आर एन ए और यहाँ पर अटैच होगा हमारा अमाइनो एसिड तो ऐसे ही ये जो टी आर एन ए है ये बार बार बदलते जाते हैं अपने कॉम्प्लीमेंट्री सिक्वेंसेज के साथ साथ अमाइनो एसिड्स लाते जाते हैं और ये जो चेन है अमाइनो एसिड की ये बढ़ती जाती है ठीक है तो इसी तरह अ चेन ऑफ अमाइनो एसिड इज कॉल्ड एज वॉट अ प्रोटीन करेक्ट सो लार्जर सब यूनिट ऑफ एंड ब्रिंग्स बाइंडो एसिड क्लोज इन ईच अदर फॉर द फॉर्मेशन ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड तो एक एसिड दूसरे अमाइनो एसिड से कनेक्टेड होता है बाय द पेप्टाइड बॉन्ड नाउ द ऑर्डर एंड द सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड डिपेंड्स ऑन द सीक्वेंस ऑफ बेसिस ऑन एम आर एन ए तो जो ऑर्डर है अमाइनो एसिड का और जो सीक्वेंस है अमाइनो एसिड का वो डिपेंड करता है ऑन द सीक्वेंस ऑफ बेसिस ऑन एमआरएनए कि ये जो हमारा एमआरएनए है ना इसका क्या सीक्वेंस है जो उसका सीक्वेंस होगा उसी के उसी के कॉम्प्लीमेंट्री uh, क्या आएगा कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंसेस आएंगे टीआरएनए पे और उसी से एसोसिएटेड अमाइनो एसिड आएगा सो द एक्टिवेशन ऑफ अमाइनो एसिड दिस इज द फर्स्ट स्टेप तो यहां पर क्या होता है कि जो हमारा अमाइनो एसिड है वो एटीपी के साथ जुड़ जाता है ठीक है इन द प्रेजेंस ऑफ एन एंजाइम अमाइनो असाइल टी आर एन एस यहाँ पर एक कॉम्प्लेक्स बनता है जिसको हम बोलते हैं अमाइनो एसिड ए एम पी एंजाइम कॉम्प्लेक्स एंड इनऑर्गेनिक फॉस्फेट जो है वो बाहर निकलता है ठीक है नाउ नेक्स्ट इज राइबोसोम एक्ट एज अ केटेलिस्ट फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द पेप्टाइड बॉन्ड तो राइबोसोम एक तरह से केटलिस्ट एक्ट करता है जिससे कि पेप्टाइड बॉन्ड की फॉर्मेशन uh, होती है नाउ द ट्रांसलेशन यूनिट हैज सीक्वेंस ऑफ आरएनए दैट इज फ्लैंक्ड बाय स्टार्ट कोडोन ठीक है तो जो हमारा ट्रांसलेशन का यूनिट होता है वहां पर एक स्टार्ट कोडोन होता है जहां से इनिशिएशन होती है ट्रांसलेशन की और ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं क्या क्या सीक्वेंस होता है उस स्टार्ट कोडोन का सो दैट इज AUG तो 5 प्राइम एंड पे हमें AUG देखने को मिलेगा और दूसरी तरफ कहां पर ये ट्रांसलेशन खत्म होगी तो वहां पर तीन सीक्वेंसेस होते हैं जिन्हें हम स्टॉप कोडोन बोलते हैं तो तीनों में से कोई भी एक होगा तो वहां पर ट्रांसलेशन खत्म हो जाएगी तो कौन सा होता है तो 3 प्राइम एंड पे या तो हमें UAA UAG या UGA देखने को मिले तो वहां पर सिंथेसिस जो है ट्रांसलेशन जो है वो हो जाएगी स्टॉप राइट right? तो इन तीनों को हम बोलते हैं स्टॉप कोडोन्स नाउ द राइबोसोम बाइंड मैसेंजर आर एन एट द स्टार्ट कोडोन अमाइनो एसिड लिंकड टू टी आर एन ए बाइंड द अप्रोप्रिएट कोडोन ऑफ मसेंजर आर एन ए बाय कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेरिंग ना उधर राइबोजोम्स मूव कोडोन टू कोडोन अब ये जो राइबोजोम है ना जो स्मॉलर सब यूनिट है ये कोडोन से कोडोन को मतलब तीन तीन के सेट को लेकर ये मूव करता जाता है along the mRNA polypeptide sequence. So at the end termination occurs by release factor which binds stop codon releasing the polypeptide chain. अब जैसे ही उसको stop codon दिखाई देता है AUG uh, sorry AAU AAUGA और UGA इन तीनों में से कोई भी sequence आएगा तो वही पर translation खत्म हो जाएगी और जो हमारी amino acid की chain जो बनी होगी वो डिटैच हो जाएगी और हमारे पास आ जाएगा एक पॉलीपेप्टाइड सो दिस इज हाउ ट्रांसलेशन अकर्स नाउ द क्वेश्चन नंबर एटीन सो क्वेश्चन इज अकॉर्डिंग टू डारवेनियन थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन द रेट ऑफ अपेयरेंस ऑफ न्यू फॉर्म इज लिंक्ड टू लाइफ साइकिल और द लाइफ स्पैन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल तो डार जो डार्वेनियन थ्योरी थी नेचुरल सिलेक्शन की उसके अकॉर्डिंग जो रेट है अपेयरेंस ऑफ न्यू फॉर्म्स ठीक है जो नए स्पीशीज नए कैरेक्ट्रिस्टिक्स जो किसी भी एक स्पीशीज में आते हैं इट इज़ लिंक्ड टू द लाइफ साइकिल एंड द लाइफ स्पैन की कितनी कैसी उनकी लाइफ साइकिल रही है कैसा उनका लाइफ स्पैन रहा है उसके ऊपर डिपेंड करती है तो हमें इस कॉन्सेप्ट को इस चीज़ को हमें एक्सप्लेन करना है एक एग्जांपल के साथ तो जो की कॉन्सेप्ट था डार्विनियन थ्योरी का एवोल्यूशन का दैट वाज नेचुरल सिलेक्शन तो मतलब वो इंडिविजुअल्स जो कि बेटर अडेप्ट हो रहे हैं प्रेजेंट कंडीशंस में सिर्फ वही क्या करें जो रिप्रोड्यूस भी कर पा रहे हैं सिर्फ वही सर्वाइव करेंगे बाकी सब मर जाएंगे सो इंडिविजुअल्स विच हैव बेटर अडेप्टेबिलिटी विल सर्वाइव एंड विल बी सिलेक्टेड बाय नेचर जैसे कि माइक्रोब्स हैं जैसे कि बैक्टीरिया है उनका क्या है उनका जेनरेशन टाइम जो है मतलब उनका जो रिप्रोडक्शन जैसे हम इकोलाई e. की बात कर रहे थे तो इकोलाई e. क्या है वो हर ट्वेंटी मिनट्स में डिवाइड करता है ठीक है तो उनका जो जेनरेशन टाइम है दैट इज़ वेरी स्मॉल सो इट कैन ईजिली इट इज़ ईजी टू सी द वेरियंट पॉपुलेशन इन लेस टाइम तो थोड़े से ही टाइम में हमें बहुत सारी वेरिएशंस देखने को मिल जाएंगे उस पर्टिकुलर स्पीशीज़ में सो दीज वेरिएशंस कैन इजीली अडेप्ट एंड ग्रो टू द न्यूली चेंज्ड कंडीशंस, तो न्यूली चेंज अगर कंडीशंस चेंज हो रही हैं तो फटाफट -फड़ इकोलाई भी चेंज हो रहा है जेनरेशंस भी आगे आगे बढ़ती जा रही हैं तो वो बहुत जल्दी अडेप्ट हो जाएंगे टू द न्यू कंडीशंस सो फाइनली द वेरियंट्स कैन आउट ग्रो द अदर्स एंड अपेयर एज न्यूली सिलेक्टेड इंडिविजुअल्स अब जो वेरियंट्स आए होंगे जो पेरेंटल जनरेशन होगी उससे जब वेरियंट्स आए होंगे क्योंकि वेरियंट्स बेटर अडेप्ट कर रहे होंगे उन कंडीशन के लिए तो वो वेरियंट्स सिलेक्ट हो जाएंगे और जो पेरेंटल जनरेशन जो एनसेस्टर्स होंगे वो हो जाएंगे ख़त्म वहीं पर अगर हम हायर ऑर्गेनिजम्स की बात करते हैं जैसे कि अगर आप ह्यूमंस की ही बात कर लो ठीक है आप एलिफेंट्स की बात कर लो आप डॉग की बात कर लो ठीक है वो जिनका जनरेशन टाइम जो है वो थोड़ा लंबा है ठीक है तो उस केस में वेरिएशन्स आएंगे तो सही लेकिन इतनी फास्ट तो नहीं आएंगे क्योंकि हम एवरी ट्वेंटी मिनट्स वी आर नॉट डिवाइडिंग राइट वी आर नॉट रिप्रोड्यूसिंग वी आर नॉट जनरेटिंग अ न्यू इंडिविजुअल राइट तो उस केस में जो वेरिएशन है वो हमें बहुत फास्ट नहीं देखने को मिलेंगी हैंस द रेट ऑफ अपेयरेंस ऑफ न्यू फॉर्म्स इज फास्टर इन ऑर्गेनिजम्स विद शॉर्ट लाइफ स्पैन तो वो ऑर्गेनिजम्स जिनका लाइफ स्पैन कम है उनमें वेरिएशन ज्यादा इजीली हमें देखने को मिलेंगी सो दिस वॉज आंसर टू दिस क्वेश्चन नाउ द क्वेश्चन नंबर नाइनटीन ए पार्ट सेज नेम द कॉजिटिव एजेंट ऑफ निमोनिया एंड कॉमन कोल्ड तो कॉमन कोल्ड और निमोनिया को कौन कॉज करता है तो कॉमन कोल्ड को सॉरी निमोनिया को कॉज करने वाला जो ऑर्गेनिज्म है दैट इज स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया एंड हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा तो ये दोनों कॉज करते हैं निमोनिया ठीक है वहीं पर अगर हम कॉमन कोल्ड की बात करते हैं तो कॉमन कोल्ड को कॉज करता है राइनोवायरस तो राइनो वायरस कॉज इज कॉमन कोल्ड बी पार्ट इज हाउ डज दीज डिफर इन देयर सिम्टम्स तो निमोनिया और कॉमन कोल्ड में क्या फ़र्क है तो कॉमन कोल्ड में तो यूजुअली क्या होता है जैसे अभी मेरा नाक बंद है सो नेजल कंजेशन होती है नेजल डिस्चार्ज होता है ठीक है नाक बहुत बहती है फिर गले में दर्द होना ठीक है हॉर्सनेस मतलब आवाज में एक अलग सा अलग सी आवाज़ रहना ठीक है मतलब सॉफ्ट वॉइसली आवाज़ थोड़ी सी बदल जाना देन टायर्डनेस कॉमन कोल्ड में क्योंकि नाक बंद होता है और कई बार हेडेक भी होता है तो इसमें टायर्डनेस बहुत ज़्यादा होती है वहीं पर अगर हम न्यूमोनिया की बात करते हैं तो इसमें ज़्यादातर हाई फीवर चिल्स मतलब बड़ा ठंड लगना हमारे जो लिप्स हैं और जो फिंगर के नेल्स हैं वो ग्रे या ब्लूइश टर्न ग्रे से ब्लूइश टर्न हो जाते हैं सो दीज आर द डिफरेंस इन सिम्टम्स इन निमोनिया एंड कॉमन कोल्ड नाउ द नेक्स्ट इज मैंशन एनी टू सिम्टम्स कॉमन टू बोथ कोई ऐसा आपको सिम्टम बताना है जो आपको दोनों में देखने को मिलेगा तो वो है कफ दोनों ही कहीं ना कहीं हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक से रिलेटेड हैं तो कहीं ना कहीं कफ और हेड हमें दोनों में ही देखने को मिलेंगी Now, the question number 19 or part write the scientific name of the causative agent and the vector of malaria and write its symptoms. तो जो वेक्टर्स हैं मलेरिया के जो पॉजिटिव एजेंट है सबसे पहले वो बताइए तो वो है प्लाज्मोडियम वाइवैक्स या प्लाज्मोडियम मलेरिया या प्लाज्मोडियम फेलिसिपैरम ठीक है और ये है हमारे पॉजिटिव एजेंट ऑफ मलेरिया अब हमें बताना है वेक्टर तो कौन है इसका कैरियर तो इसके कैरियर है फीमेल एनोफ्लीज मस्कीटो राइट फिर हमें बताने हैं इसके कुछ सिम्टम्स तो मलेरिया जब होता है तो सबसे पहला क्या होता है बुखार चिल्स ये एक बहुत ही कॉमन कॉमन सिम्टम्स हैं कि हर तीन चार दिन में ना बुखार आए जा रहा है आए जा रहा है ठीक है सो दीज आर द सिम्टम्स नाउ बी पार्ट सेज नेम एनी टू डिजीज स्प्रेड बाय एडीज स्पीशीज सो जो एडीज मस्कीटो होता है ना वो कौन सी बीमारियां फैलाता है तो हमें दो बतानी थी मैंने आपको चार बताई हैं आप चार में से कोई भी दो लिख लेना येलो फीवर डेंगी

next part says mention the most essential components of this bioreactor must have so as to provide the optimal conditions to the culture medium resulting in the production of large volume of desired products so hame essential components with an bioreactor k joki हमारे इस पूरे सेटअप uh, में ऑप्टिमम कंडीशंस बनाए रखें विच रिजल्ट्स इन द प्रोडक्शन ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट की बड़ा सारा प्रोडक्ट बने सो द कंपोनेंट्स ऑफ द रिएक्टर दे आर एजुटेटर सिस्टम देर इज़ ऑक्सीजन डिलीवरी सिस्टम देर इज़ फोम कंट्रोल सिस्टम देर इज़ टेम्परेचर कंट्रोल सिस्टम देर इज़ पी कंट्रोल सिस्टम एंड देर इज़ अ सैम्पलिंग पोर्ट तो एजुटेटर सिस्टम वो जो बीच में क्या होते हैं ऐसे फैंस होते हैं रोटेटिंग फ्लैट फैंस होते हैं ब्लेड्स होते हैं तो वो घूमते रहते हैं तो अंदर के पूरे कंटेंट को वो घुमाते रहते हैं ठीक है दूसरा क्या है दूसरा है हमारा ऑक्सीजन डिलीवरी सिस्टम अब क्योंकि अंदर माइक्रोब्स हैं तो माइक्रोब्स को ऑक्सीजन भी चाहिए ना हम एरोबिक माइक्रोब्स का अगर हम यूज कर रहे हैं तो हमें ऑक्सीजन भी चाहिए ताकि वो अच्छे से ग्रो कर सके ताकि अच्छे से हमें हमारा प्रोडक्ट मिल सके द नेक्स्ट इज फोम कंट्रोल सिस्टम अब झाग अगर झाग बन जाएगा तो वो कहीं ना कहीं हमारे प्रोडक्ट को बनने में प्रॉब्लम क्रिएट करेगा कहीं ना कहीं कंटेमिनेशन कॉज करेगा तो उस फोम को कंट्रोल करने के लिए भी हमारे पास एक सिस्टम रहता है देन टेम्परेचर कंट्रोल अब जो माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स हैं वो एक सर्टन अमाउंट ऑफ टेम्परेचर पर ही अपना काम कर पाएंगे अब ऐसा तो है नहीं कि जो 50 पे काम करते हैं आप उनको 100 डिग्री टेम्परेचर दे दो ठीक है तो वो अपना काम नहीं कर पाएंगे तो हमारे पास ऊपर एक टेम्परेचर कंट्रोल भी होता है जो कि इसका टेम्परेचर को मॉनिटर करता है देन इस पी एच कंट्रोल सिस्टम अब हर एक बॉडी को जैसे अगर हम अपने स्टमक की बात करते हैं तो हमारे स्टमक में जो पी एच है ना वो बड़ा ही कम होता है क्योंकि वहाँ पर एच सी एल होता है अगर वहां पर एच सी एल ना सिगरेट हो तो क्या नहीं होगा हमारा पेप्सिनो पेप्सिन में कन्वर्ट नहीं होगा तो हमारे प्रोटीन्स डाइजेस्ट नहीं होंगे तो वैसा ही केस होता है माइक्रोब्स के केस में भी अब ये जो हमने रॉ मटेरियल डाला है अपने बायो रिएक्टर में इसमें हमें एक एक पर्टिकुलर अमाउंट का पीएच चाहिए कि पीएच इस रेंज में ही होना चाहिए तभी हमारा प्रोडक्ट जो है वो बनेगा तो उसके लिए भी हमारे पास एक कंट्रोल सिस्टम है देन इज सैम्पलिंग कोड अब एक बायो रिएक्टर है ठीक है ऐसा तो है नहीं कि कढ़ाई है कढ़ाई में दाल हम देखे जा रहे हैं देखे जा रहे हैं ठीक है थीके? कि अच्छा बन गई या नहीं बनी ठीक है थोड़ा देख के पता चल गया ठीक है लेकिन देख के पता नहीं चलता है हम क्या करते हैं हम थोड़ी सी चम्मच से उठा के बीच में सैंपल टेस्ट कर लेते हैं ठीक है थीके? तो इस केस में सैंपल टेस्ट तो नहीं होता है लेकिन हम सैंपल को बीच में से एक आउटलेट होती है जहाँ से बाहर निकाल देते हैं उसको टेस्ट कर लेते हैं कि अच्छा क्या हमारा जो प्रोडक्ट है वो रेडी है या वो नहीं है अगर रेडी है सो देन वील स्विच इट ऑफ अगर नहीं तैयार हुआ है तो हम उसमें उसको ऑप्टिमल कंडीशन देते रहेंगे ताकि हमारा प्रोडक्ट जो है वो जल्दी से जल्दी बन जाए आई होप द क्वेश्चन इज क्लियर नाउ द नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी टू सो द क्वेश्चन सेज अ चाइल्ड इज बोर्न विद ए डी ए डेफिशंसी तो याद करो ये ए सेट वन में भी ऐसा सिमिलर क्वेश्चन था ठीक है सो सजेस्ट एंड एक्सप्लेन द प्रोसीजर फॉर पॉसिबल लाइफ लॉन्ग और द परमानेंट क्योर एंड नेम एनी अदर पॉसिबल ट्रीटमेंट ऑफ दिस डिजीज़ तो सबसे पहले है कि जो जीन आइसोलेट होता है वो होता है बोन मैरो के सेल से जो प्रोड्यूस करता है एक ए डी ए ठीक है वो ए डी ए प्रोड्यूस करता है जीन और उसके दे आर इंट्रोड्यूस्ड इन टू द सेल्स एट अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेज तो जब एम्ब्रियोनिक स्टेज होती है एक एक बच्चे की ठीक है एक इंसान की उस स्टेज पे अगर हम बोन मैरो से वो जीन्स को निकाल के उनके सेल्स में इंट्रोड्यूस कर दें तो क्या होगा वो होगा एक तरह का परमानेंट क्योर राइट देन नेम एनी अदर पॉसिबल ट्रीटमेंट ऑफ दिस डिजीजेस तो इसका कोई और एक पॉसिबल ट्रीटमेंट अगर आप बताएं तो सो द अनदर पॉसिबल ट्रीटमेंट इज द जीन थेरेपी तो अगर हम सॉरी uh, uh, अदर पॉसिबल ट्रीटमेंट यस तो परमानेंट की ओर तो जीन थेरेपी है तो एक तो हो गया जीन थेरेपी जिसमें लिम्फोसाइट्स जो हैं इन द

साइट्स को हम उस पेशेंट की बॉडी में डाल देंगे तो इससे क्या होगा कि उस पेशेंट की जो सेल्स है ना वो इस इस एंजाइम को सिंथेसाइज करने लग जाएंगे तो उसकी प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो जाएगी इसी के साथ एक हमारा एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी भी होता है कि हम क्या करते हैं इंजेक्शन के थ्रू एंजाइम को बॉडी के अंदर इंट्रोड्यूस कर देते हैं लेकिन वो ना एक टेम्प्रेरी क्योर है क्योंकि जब वो एंजाइम यूज़ हो जाएगा तो वो ख़त्म हो जाएगा फिर से सेम ही प्रॉब्लम आएगी तो उस केस में जो एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी है वो हमें बार बार करनी पड़ती है अगर हम जीन थेरेपी करेंगे तो वो एक पॉसिबल परमानेंट क्योर है कि अगर वो सही तरीके से लिम्फोसाइड्स ने एडीए बनाना शुरू कर दिया तो वो एक तरह से हमारा हो जाएगा एक परमानेंट क्योर So, I hope the question is clear. Now, the question number 23. So, the question is differentiate between expanding age pyramid and stable age pyramid. Substantiate your answer with the diagrams. So एक्सपैंडिंग एज पिरामिड क्या होता है तो बेसिकली ऐसा एज पिरामिड जो ऐसे एक्सपैंड हो रहा हो और स्टेबल कि मतलब वो थोड़ा सा कुछ ऐसा जा रहा है फिर कहीं पर थोड़ा सा जाके एक्सपैंड हो गया मतलब बहुत ज़्यादा वेरिएशन हमें देखने को नहीं मिलती है सो so, जो एक्सपैंडिंग होता है ना वो इट इज़ यूजली रेक्टेंगुलर ठीक है जिसका बेस जो है वो वा, वाइड होता है और उसका जो एपेक्स है वो पॉइंटेड होता है दूसरा जो हमारा स्टेबल वाला होता है वो हमें रेक्टेंगुलर या स्क्वायर शेप का देखने को मिलता है एंड विच इज़ ऑलमोस्ट द सेम नंबर ऑफ पीपल इन ऑल द एज ग्रुप्स तो बेसिकली ये जो हम एज पिरामिड बनाते हैं ना ये हम तीन एज ग्रुप्स के लिए बनाते हैं एक होता है प्री रिप्रोडक्टिव एक होता है रिप्रोडक्टिव और एक होता है पोस्ट रिप्रोडक्टिव तो अगर हम एक्सपेंडिंग की बात करें तो एक्सपेंडिंग में ना हमारे पास प्री रिप्रोडक्टिव वाले ज़्यादा होते हैं रिप्रोडक्टिव वाले कम होते उससे कम होते हैं और पोस्ट रिप्रोडक्टिव वाले उससे भी कम होते हैं वहीं पर अगर हम बात करते हैं स्टेबल एज पिरामिड की तो इसमें हमें प्री रिप्रोडक्टिव और रिप्रोडक्टिव ठीक है सो दिस इज प्री रिप्रोडक्टिव दिस इज रिप्रोडक्टिव ये दोनों जो नंबर है ना इनका ऑलमोस्ट सेम होता है और पोस्ट रिप्रोडक्टिव वाले और भी कम होते हैं क्लियर सो द एज द पॉपुलेशन ऑफ प्री रिप्रोडक्टिव एज इज ग्रेटर दैन द पॉपुलेशन ऑफ रिप्रोडक्टिव एज तो प्री रिप्रोडक्टिव बहुत ज़्यादा होते हैं रिप्रोडक्टिव उससे कम होते हैं और पोस्ट रिप्रोडक्टिव उससे भी कम होते हैं ना द पॉपुलेशन ऑफ प्री रिप्रोडक्टिव एज इक्वल टू द पॉपुलेशन ऑफ द रिप्रोडक्टिव एज राइट सो ये भी एक तरह से क्या है सो so, This is basically uh, what you have to draw in your diagrams. Now, the next is question number 24. So, question number 24 says Analyze the effects of alien species invasion on biodiversity of a given area and provide two examples. तो हमें बताना है कि अगर हम किसी भी एलियन स्पीशीज़ का इन्वेशन देखते हैं किसी गिवन एरिया में तो उसकी डाइवर्सिटी पर उसका क्या इफेक्ट होता है वहाँ की बायोडाइवर्सिटी पर क्या इफेक्ट होता है और हमें कोई दो एग्जाम्पल्स देने हैं तो बहुत ही बहुत ही सिंपल है एलियन या फिर एग्जॉटिक स्पीशीज़ जब इंटेंशनली या अन इंटेंशनली किसी भी एरिया में इंट्रोड्यूस की जाती हैं तो उसका एक 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 बहुत ही प्रोमिनेंट सा इफ़ेक्ट देखने को मिलता है कि जो उस एरिया की पर्टिकुलर बायोडाइवर्सिटी है वो बहुत ज़्यादा हार्म उसको वो बहुत ज़्यादा हार्म करता है सो इट टर्न्स इन्वेजिव एंड कॉजेज द एक्सटेंक्शन ऑफ द इंडिजीनियस स्पीशीज़ जो वहाँ की स्पीशीज़ है ना उनके ऊपर उसका बहुत ही गलत प्रभाव पड़ता है अब दूसरी चीज़ जब आपने एक प्लांट है उसको इंट्रोड्यूस कर दिया किसी भी एक बायोडाइवर्सिटी में अब इसका जो प्रीडेटर है वो वहाँ पर है नहीं तो क्या होगा तो ये जो ये जो पर्टिकुलर स्पीशीज़ है, बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी जो एलियन स्पीशीज है और उसकी वजह से वो कहीं ना कहीं वहां पर रहने वाली बायोडाइवर्सिटी को करती जाएगीवर्सिटी है नाइल पोच विच इज इंट्रोड्यूस्ड इन टू लेक विक्टोरिया इन ईस्ट अफ्रीका इट लेड टू द एक्सटेंशन ऑफ एन इकोलॉजिकली यूनिक असेंबलेज ऑफ मोर देन टू हंड्रेड स्पीशीज ऑफ किलेड फिश इन फिशेस इन द लेक तो जैसे ही नाइल पर्च को लेक विक्टोरिया में इंट्रोड्यूस किया गया तो जो वहाँ की इंडिजीनियस स्पीशीज़ थी फिश की स्पीशीज़ थी वो हो गई एक्सटिंक्ट तो मतलब जो ऑलमोस्ट मोर देन टू हंड्रेड स्पीशीज़ का एक असेंबली था उस पर्टिकुलर पर्तिक, लेक में वो हो गई ख़त्म ठीक है देन इलीगल इंट्रोडक्शन ऑफ एफ्रीकन कैटफिश कैलेरस ग्रिप्पाइन इन एक्वाकल्चर इज थ्रेड टू द इंडिजीनियस कैट फिश इन द रिवर तो फिर एक इलीगल इंट्रोडक्शन किया गया एक अफ्रीकन कैट फिश का जिसकी वजह से वहाँ की जो कैट फिशेज़ थी उस पर्टिकुलर रिवर की ये एक्वाकल्चर के लिए किया गया ठीक है तो अब उससे क्या हुआ कि जो वहाँ की स्पीशीज़ थी वहाँ की जो कैटफिश थी वो ख़त्म हो गई वो हो गई एक्सटिंक्ट सो दीज आर द टू एग्जाम्पल्स वेन द एलियन स्पीशीज़ वर इंट्रोड्यूस्ड एंड विच कॉज एक्सटिंक्शन और डिस्ट्रक्शन टू द बायोडाइवर्सिटी ऑफ दैट पर्टिकुलर

रिंकल्ड एंड ग्रीन सीड्स ठीक है तो ये होमोजाइगस क्रॉस उन्होंने किया सो ही फाउंड दैट इन सम ऑफ द एफ टू पॉपुलेशन न्यू कॉम्बिनेशन ऑफ पेरेंटल कैरेक्टर्स वर ऑब्जर्व तो उन्होंने ये उनको ये पता चला कि एफ टू जो जनरेशन आई उसमें ना पेरेंटल कॉम्बिनेशन के कुछ मतलब उनके पास कुछ नए कॉम्बिनेशन आए सो ही वु हाउ विल यू एक्सप्लेन द अपेयरेंस ऑफ न्यू कॉम्बिनेशन ऑफ पेरेंटल कैरेक्टर्स इन एफ टू ऑफ स्प्रिंग्स सपोर्ट यूर आंसर विद द हेल्प ऑफ द पेनट स्क्वेयर तो बेसिकली हमें F2 का जो क्रॉस है उसको समझाना हमें डाई हाइब्रिड क्रॉस को एक्सप्लेन करना है F2 टू जनरेशन तक सो वेन टू पेयर ऑफ ट्रेड आर पेयर ऑफ कैरेक्टर इज इंडिपेंडेंट ऑफ द अनदर पेयर मान लो कि एक जो हमारा होमोजाइगस पेयर था ठीक है तो उसमें एक कैरेक्टर था ऑफ येलो सीड्स और दूसरा था राउंड सीड्स ठीक है ये दो कैरेक्टर साथ में थे होमोजाइगस में पेरेंटल में और दूसरे में येलो और सॉरी ग्रीन और रिंकल्ड साथ में था लेकिन अब जब यहाँ पर हमने इन को क्रॉस होते हुए इन जब डाई हाइब्रिड क्रॉस किया तो डाई हाइब्रिड क्रॉस में जरूरी नहीं था कि ये जो दोनों कैरेक्टर्स थे ये अपने अपने पेयर के साथ जाए तो इसमें यह देखा गया कि ये जो गैमीट्स है ना ये इंडिपेंडेंटली सेग्रीगेट हो रहे हैं और इंडिपेंडेंटली अपना पेयर किसी और से जाके बना रहे हैं हैं तो देखते हैं कि हमें इसको कैसे दिखाना है हमें बेसिकली डाई हाइब्रिड क्रॉस को ही एक्सप्लेन करना है तो अब हम इसमें देखते हैं हमारे पास है एक पेरेंटल जनरेशन जिसमें येलो एंड राउंड सीड्स हैं दूसरी तरफ पेरेंटल जनरेशन है जिसमें रिंकल्ड और ग्रीन सीड्स हैं तो ये वाला हमारा डोमिनेंट रेट है और ये वाले हमारे दोनों रिसेसिव ट्रेट हैं राइट तो यहां से हमारे पास गेमेट्स आए r और y कैपिटल r कैपिटल y यहाँ से स्मॉल r स्मॉल y ठीक है अब जब हमारी f वन जनरेशन आई है तो उसमें हमें सारे के सारे जो सीड्स थे वो हमें राउंड और येलो देखने को मिले कैसे क्योंकि यहां पर कैपिटल r स्मॉल r कैपिटल y स्मॉल y ये वाला कॉम्बिनेशन हमें देखने को मिला क्योंकि येलो और राउंड जो है वो हमारे क्या थे वो थे हमारे dominant तो यहां पर हमारे dominant rate, uh, dominant alleles present थे तो हमारे डोमिनेंट रेट्स ही एक्सप्रेस हुए वहीं पर अगर हम बात करते हैं की the selfing of F1 generation, तो उसमें हमने क्या देखा कि हमारे पास किस तरह के अवेलेबल थे तो एक तो थे कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल वाई स्मॉल आर कैपिटल वाई और स्मॉल आर स्मॉल वाई तो ये हमारे पास गैमीट्स आए फॉर एफ टू जनरेशन तो जब हमने इनको पेनेट स्क्वायर में डाला तो हमने देखा कि येलो और राउंड ये तो हमें पेरेंटल कॉम्बिनेशन मिले वहीं पर रिंकल्ड और ग्रीन भी हमें पेरेंटल कॉम्बिनेशन मिला लेकिन कुछ हमें हाइब्रिड कॉम्बिनेशंस भी मिले जैसे कि राउंड एंड ग्रीन सीड एंड रिंकल्ड एंड येलो सीड तो यहाँ पर जो रेशो देखने को मिली दैट वॉज नाइन इज टू थ्री इज टू थ्री इज़ टू वन सो दिस वॉज़ एक्सप्लेन बाय मेंडल इन हिज डाई हाइब्रिड क्रॉस एक्सपेरिमेंट्स

और हमें उसके कॉन्ट्रीब्यूशन पे कॉमेंट करना है टूवर्ड्स द ऑरिजिन ऑफ लाइफ तो जो एस एल मिलर थे उनकी ऑब्जर्वेशंस क्या थी उन्होंने क्या किया था उन्होंने बेसिकली एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था जहाँ पर उन्होंने एक क्लोज फ्लास्क में कुछ प्रिमिटिव एनो अर्थ की कंडीशंस बनाई थी जैसे वहाँ पर था मीथेन हाइड्रोजन अमोनिया और वाटर वेपर्स तो इस सभी को उन्होंने 800 डिग्री उस फ्लास्क में उन्होंने जो टेम्परेचर दिया था दैट वाज अराउंड 800 डिग्री सेल्सियस और इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज जो था वो क्रिएट किया था तो यहाँ पर जो कंडीशंस थी ये वही कंडीशंस थी जो कि प्रिमेटिव अर्थ में कंडीशंस देखी गई थी तो इससे उन्होंने कंक्लूड किया कि इट प्रोवाइडेड सो ही प्रोवाइडेड एक्सपेरिमेंटल एविडेंसेस फॉर द थ्योरी ऑफ केमिकल ओरिजिन ऑफ लाइफ तो उन्होंने बोला था कि ये जो लाइफ है न, कही ना कहीं ना कहीं केमिकल ओरिजिन रहा है मतलब केमिकल्स uh, का आपस में टकराना मिलना उन्हीं से लाइफ ओरिजिनेट हुई है सो so ही gave the experimental evidences for the theory of chemical evolution origin so then he showed that first non cellular forms of life was created around 3 billion years ago aaj se 3 billion saal pehle कुछ नॉन जो फर्स्ट नॉन सेलुलर फॉर्म्स थी लाइफ की वो ओरिजिनेट हुई थी देन ही शोड दैट नॉन सेलुलर बायोमोलिक्यूल एग्जिस्ट इन फॉर्म ऑफ डीएनए आरएनए पॉलीसेक्राइड एंड प्रोटीन्स तो ये जो नॉन सेलुलर बायोमोलिक्यूल्स हैं ये किस किस फॉर्म में थे उस टाइम पर डीएनए के फॉर्म में आर के फॉर्म में पॉलीसेक्राइड्स के फॉर्म में और प्रोटीन्स के फॉर्म में ठीक है सो दीज वर द कंक्लूजन्स दैट वर मेड बाय एस एल मिलर ठीक है तो ये तो हमारा हो गया मिलर के कॉन्ट ऑब्जर्वेशन और मिलर के कंक्लूजन्स सो दिस इज हाउ ही कॉन्ट्रीब्यूटेड टूवर्ड्स द ओरिजिन ऑफ लाइफ सो इन दिस एक्सपेरिमेंट ओनली ही प्रूव दैट लाइफ ओरिजिनेटेड फ्रॉम नॉन सेलुलर फॉर्म्स ऑफ लाइफ सो दिस वॉज हिज कॉन्ट्रीब्यूशन टूवर्ड्स द ओरिजिन ऑफ लाइफ ऑन अर्थ तो इसमें एक चीज जो आप ऐड कर सकते हो वो है डायग्राम ठीक है वो जो इलेक्ट्रिक स्पार्क वाला जो यूरे मिलर वाला एक डायग्राम है उसका इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज एक्सपेरिमेंट वो डायग्राम भी आप इसमें ऐड कर सकते हो नाउ क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी सिक्स डिफ्रेंशिएट बिटवीन एक्टिव एंड पैसिव इम्यूनिटी तो एक्टिव और पैसिव इम्यूनिटी में क्या फ़र्क है सो फर्स्ट इज रिस्पॉन्स जनरेटेड एज अ रिजल्ट ऑफ एंटीजेनिक स्टिमुलस तो यहाँ पर जो रिस्पॉन्स जनरेट होता है एक्टिव इम्यूनिटी में वो एंटीजन की वजह से होता है हम क्या करते हैं हम जब वैक्सीनेट करते हैं ना तो हम डेड या वीकेंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म बॉडी में इंजेक्ट कर देते हैं तो उस वही जो एंटीजन है वो एक स्टिमुलस एक्ट करता है और उसी से एक्टिव इम्यूनिटी जो है वो जनरेट होती है देन पैसिव इम्यूनिटी केस में हम रेडीमेड एंटीबॉडीज डाल रहे हैं। बेसिकली एक्टिव के केस में हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं एंटीजन्स और पैसिव के केस में हम बना रहे हैं एंटीबॉडीज हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं एंटीबॉडीज क्लियर तो अगर हम एक्टिव इम्यूनिटी की बात करें तो इसमें ना बहुत ही कम हमें साइड इफ़ेक्ट्स देखने को मिलेंगे क्यों क्योंकि हमने एंटीजन को इंट्रोड्यूस किया एंटीजन जब इंट्रोड्यूस होगा तो ऑटोमेटिकली हमारी बॉडी क्या बनाएगी एंटीबॉडीज़ बनाएगी राइट right? वहीं पर जब हम कोई एंटीबॉडीज़ अपने किसी इंडिविजुअल की बॉडी में इंट्रोड्यूस करते हैं तो वहाँ पर रिएक्शंस हो सकते हैं इट माइट कॉज एलर्जिक रिएक्शंस इन द बॉडी किसी किसी को ठीक है न एक्टिव इम्यूनिटी क्योंकि हमारी बॉडी की या मेमरी में ये बात स्टोर हो चुकी है कि एक ऐसा एंटीजन होता है और उसके लिए ये पर्टिकुलर एंटीबॉडीज हमें प्रोड्यूस करनी है तो उस केस में जो हमारी इम्यूनिटी होती है ना इट लास्ट लॉन्गर इट इज़ अ लॉन्ग लास्टिंग इम्यूनिटी एंड इट प्रोवाइड्स इफेक्ट फॉर अ लॉन्ग टाइम तो ये लंबे टाइम के लिए एक इफेक्ट बनाती है देन द पैसिव इम्यूनिटी इज़ अ शॉर्ट लिव्ड इम्यूनिटी एंड इट प्रोवाइड्स इमिडिएट रिलीफ तो ये इमीडियट रिलीफ प्रोवाइड करती है हमारी पैसिव इम्यूनिटी क्यों इमिडिएट करेगी क्योंकि आपने डायरेक्टली एंटीबॉडीज ही डाल दी है आपके इम्यून सिस्टम को सोचना ही नहीं है कि हमें कोई एंटीजन आया है या कोई पैथोजन आया है और अब हमें एंटीबॉडीज बनानी है आपने डायरेक्टली एंटीबॉडी डाल दी तो इमिडिएटली जो रिजल्ट है वो हमें मिल जाएगा लेकिन एक्टिव के केस में जो रिजल्ट है उसको बनने में थोड़ा टाइम लगता है लेकिन वो एक लॉन्ग लास्टिंग इम्यूनिटी होती है नाउ द बी पार्ट ऑफ द क्वेश्चन इज कॉमेंट ऑन द रोल ऑफ वैक्सीनेशन एंड इम्यूनाइजेशन इन कीपिंग ह्यूमन पॉपुलेशन हेल्दी तो हमें वैक्सीनेशन और इम्यूनाइजेशन का रोल बताना है जिससे जो एक ह्यूमन की पॉपुलेशन है वो हेल्दी रह सके तो जो प्रिंसिपल है इम्यूनाइजेशन का या वैक्सीनेशन का वो क्या है दैट इज़ बेस्ड ऑन द प्रॉपर्टी ऑफ मेमोरी ऑफ इम्यून सिस्टम कि जो हमारा इम्यून सिस्टम है ना जब भी कोई एंटीजन या एक पैथोजन हमारी बॉडी में एंटर करता है उसके लिए जो एक इम्यून रिस्पॉन्स हमारी बॉडी जनरेट करती है वो जो रिस्पांस है ना वो कहीं ना कहीं फीड हो जाता है हमारे इम्यून सिस्टम की मेमोरी में तो इसी के ऊपर ये इम्यूनाइजेशन और वैक्सीनेशन का प्रोग्राम ये प्रिंसिपल बेस्ड है ठीक है सो द वैक्सीनेशन में क्या होता है हम किसी भी वीकेंड या इनएक्टिव पैथोजन को इंट्रोड्यूस कर देते हैं बॉडी में और बॉडी उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज बना देती है तो एंटीजन एड करते हैं एंटीजन के लिए एंटीबॉडीज बना देती है ठीक है देन वैक्सीन जो है वो हमारी बॉडी में बी और टी सेल्स मेमोरी बी सेल्स और टी सेल्स भी जनरेट करता है जिससे कि अगर फ्री सब्सिक्वेंटली uh, अगर हमारी बॉडी में सेम पैथोजन एंटर करता है तो हमारी जो बॉडी है वो उसको रिकग्नाइज कर लेती है उस पर्टिकुलर पैथोजन को और सब्सिक्वेंट एक्सपोजर पर इट लीड्स टू द प्रोडक्शन ऑफ मैसिव अमाउंट ऑफ एंटीबॉडीज़ और जैसे ही सब्सिक्वेंटली फिर से एक्सपोजर होता है उस पर्टिकुलर एंटीजन से तो हमारी बॉडी खूब सारे एंटीबॉडीज बना देती है उस पर्टिकुलर एंटीजन के अगेंस्ट ठीक है तो आई होप द क्वेश्चन इज क्लियर टू एवरी

अब जो पानी बचता है उसे हम बोलते हैं प्राइमरी इफ्लुएंट इस प्राइमरी इफ्लुएंट को हम बड़े बड़े एरेशन टैंक्स में डाल देते हैं जहाँ पर ऑक्सीजन भरपूर होती है और इस एरेशन टैंक को हम कॉन्स्टेंटली एजिटेट करते हैं राइट नाउ एयर इज पंप्ड इन टू द टैंक अब हम इस टैंक में एयर को पंप कर देते हैं और अलाउ द विगरस ग्रोथ ऑफ यूजफुल माइक्रोब्स इन टू द फ्लॉक्स तो इससे जो माइक्रोब्स हैं माइक्रोब्स की विगरस ग्रोथ होती है मतलब क्योंकि ऑक्सीजन दे रहे हैं कॉन्स्टेंटली उसको एजिटेट कर रहे हैं तो उससे हमारे जो माइक्रोब्स हैं ना वो बढ़ जाते हैं और वो बन जाते हैं फ्लॉक्स तो फ्लॉक्स बेसिकली क्या होता है इट इज़ अ मासेस ऑफ बैक्टीरिया एंड फंगल फिलामेंट्स ठीक है मासिज ऑफ बैक्टीरिया एंड फंगल फिलामेंट्स तो इससे इन uh, मतलब कंबाइंड वे में हम बोलते हैं फ्लॉक्स सो वाइल्ड ग्रोइंग दीज माइक्रोब्स कंज्यूम अ मेजर पार्ट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर अब ये जो प्राइमरी एफ्लुएंट होता है इसमें बड़ा सारा ऑर्गेनिक मैटर होता है तो ये जो फ्लॉक होता है ये जो माइक्रोब्स होते हैं ना ये कहीं ना कहीं इस ऑर्गेनिक मैटर को कंज्यूम करना शुरू कर देते हैं और इससे इस पर्टिकुलर वाटर की जो बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड है वो कम हो जाती है तो जितनी बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड कम होती है किसी भी पानी की उतना ही प्योर वो पानी होता है तो so, so, को हम तब तक ट्रीट करते हैं जब तक उसकी जो BOD है वो कम नहीं हो जाती है सो वंस द बीओडी ऑफ द सीवेज इज रिड्यूस्ड पास टू द सेटलिंग टाइम्स अब एक बार क्या हुआ ये जो बीओडी है ना सीवेज की ये कम हो गई अब हम इसको सेटलिंग टैंक में भेज देते हैं जहां पर बैक्टीरियल फ्लॉक्स जो होते हैं वो नीचे बैठ जाते हैं दे आर अलाउड टू सेडिमेंट और अब जो ऊपर का पानी होता है ना उसको हम नेक्स्ट चेम्बर में भेज देते हैं सो दिस सेडिमेंट इज कॉल्ड एज एक्टिवेटेड स्लज ये जो सेडिमेंट अब हमने लिया है इसे हम एक्टिवेटेड स्लज बोलते हैं जो छोटा सा पार्ट होता है ना एक्टिवेटेड स्लज का उसको हम वहां से निकालते हैं और अब हम इसको प्राइमरी एरिय टैंक में डाल देते हैं वो टैंक जहां पर हमने सबसे पहले सेकेंडरी ट्रीटमेंट का मटेरियल डाला था राइट तो इससे बड़े और एजिटेट करते हैं उसमें ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं तो ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ग्रो करते हैं और उस पर्टिकुलर वेस्ट वाटर से फिर से ऑर्गेनिक मैटर जो है उसको कंज्यूम करना शुरू करते हैं और उसकी बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड को कम करते हैं ठीक है तो ये तो हो गया वो थोड़ा सा एक्टिवेटेड जिसको हमने एज ए इनोक्यूलम यूज किया है एज ए स्टार्टर यूज किया है अब जो बचा हुआ जो हमारा स्लज है उसको हम ले जाते हैं लार्जेशन टैंक्स में जिन्हें हम बोलते हैं एनरोबिक स्लज डाइजेस्टर जहां पर एनरोबिक बैक्टीरिया डाइजेस्ट करते हैं बैक्टीरिया को और फंजाए को इन द स्लज नाओ अ ल लॉट ऑफ बायोगैस इज प्रोड्यूस्ड विच सर्व्ज एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी एज इट इज़ इनफ्लेमेबल सो बहुत सारी जो बायोगैस है वो इस प्रोसेस में प्रोड्यूस होती है विच सर्व्स एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी और उसी को हम बोलते हैं इनफ्लेमेबल ठीक है वो जो गैस होती है इट इज़ इनफ्लेमेबल गैस राइट तो उसे हम सोर्स ऑफ एनर्जी भी यूज़ कर सकते हैं

और पार्ट से सेट डज एन इकोलॉजिकल पिरामिड रिप्रेजेंट तो एक इकोलॉजिकल पिरामिड किस चीज को रिप्रेजेंट करता है स्टेट एनी टू दैट पिरामिड्स हैव तो इकोलॉजिकल पिरामिड किस चीज को रिप्रेजेंट करता है सो इट गिव्स अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन शोइंग रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स इन एन इकोसिस्टम एट डिफरेंट ट्रॉफिक लेवल्स इन टर्म्स ऑफ नंबर बायोमास एनर्जी तो ये एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है जो हमें अलग अलग ऑर्गेनिजम जो अलग अलग ट्रॉफिक लेवल्स पे हैं उनके बीच में एक रिलेशनशिप बताता है रिलेशनशिप इन टर्म्स ऑफ बायोमास रिलेशनशिप इन टर्म्स ऑफ नंबर रिलेशनशिप इन टर्म्स ऑफ एनर्जी अब इसकी लिमिटेशन क्या है अब अगर हम इकोलॉजिकल पिरामिड को देखें ना तो आपको एक सिंपल से फूड चेन के बारे में आपको पता चलता है मतलब एक सिंपल से फूड चेन में कैसे एनर्जी का ट्रांसफ़र होता है कैसे बायोमास जो है वो घटता है या बढ़ता है कैसे नंबर जो है वो इंक्रीज़ या डिक्रीज़ होते हैं लेकिन कहीं पर भी यहाँ पर एक जो स्पीशीज़ है उसको दो लेवल पर मतलब अब एक स्पीशीज़ है वो एक फ़ूड चेन में से प्राइमरी कंज्यूमर है दूसरी फूड चेन में शायद वो सेकेंडरी कंज्यूमर हो तो इस चीज़ के बारे में ना इकोलॉजिकल पिरामिड्स कुछ नहीं बताते हैं सो दे डू नॉट टेक इनटू अकाउंट द सेम स्पीशीज़ बिलोंगिंग टू टू और मोर ट्रॉफिक लेवल्स सेकेंड इज़ इट रिप्रेजेंट्स सिंपल फूड चेन एंड नेवर एग्जिस्ट इन नेचर ये सिंपल फूड चेन को रिप्रेजेंट uh, करते हैं जो कि एक्चुअली बिल्कुल भी एग्जिस्ट नहीं करती है हमारे नेचर में नाउ द बी पार डिस्क्राइब इन्वर्टेड पिरामिड ऑफ बायोमास विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल तो इन्वर्टेड पिरामिड बताना है आपको बायोमास का तो इन्वर्टेड पिरामिड कैसे होता है मतलब जहाँ पर बायोमास पहले कम है और फिर बाद में वो बढ़ता जा रहा है तो so, ये हमें यूजली वाटर बॉडीज़ में जैसे कि हमें ओशंस में देखने को मिलता है तो so, यहाँ पर जो प्लांट्स होते हैं जो प्रोड्यूसर्स होते हैं जिन्हें हम फाइटो प्लांट बोलते हैं वो होते हैं प्राइमरी प्रोड्यूसर्स जो काफ़ी कम नंबर में होते हैं ठीक है उनका बायोमास काफ़ी कम होता है उससे ज्यादा बायोमास होता है प्राइमरी कंज्यूमर का उससे भी ज्यादा होता है सेकेंडरी कंज्यूमर का और सबसे ज्यादा बायोमास हमें देखने को मिलता है हमारे टर्शरी कंज्यूमर्स में सो so बेसिकली जो नंबर ऑफ कार्निवोर्स हैं या नंबर ऑफ टर्शरी कंज्यूमर्स हैं जैसे कि शार्क्स हैं वो हमें ज्यादा उनका बायोमास ज़्यादा होता है ओशंस में एज कम्पेयर टू आर प्रोड्यूसर्स ठीक है सो दिस इज हाउ एन इन्वर्टेड पिरामिड ऑफ बायोमास लुक्स लाइक नाउ दिस वॉज ऑल अबाउट फ्रॉम द सेट टू ऑफ द ईयर टू थाउजेंड एंड नाइनटीन तो नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अपना सेट थ्री सो टिलन एज यू नो लर्नो हा फ्री है पर बेस्ट है